ये सरकार माहौल जबरदस्त शानदार। ओके तो सरकार हम पढ़ रहे सेक्शन नंबर 7 सप्लाई। आप समझ, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर सप्लाई बहुत भारी है भाई। तो सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2। ओके सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो क्लोज नंबर ए और बी में ट्रांजेक्शन कवर है, दो जा नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उसमें क्लोज नंबर ए बोलता है ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3 आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देर इज नो नीड टू पे एनी जीएसटी, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं, लेवी ही नहीं होगा, देर इज नो पॉइंट ऑफ एनी लाइबिलिटी। अब सवाल आता है वो शेड्यूल नंबर 3 में कौन कौन से ट्रांजेक्शन कवर है। ओके तो सर हम बात करें अब शेड्यूल नंबर 3 की। शेड्यूल नंबर 3 सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ए रेड विद शेड्यूल नंबर 3। सिंस यहां पर शेड्यूल नंबर 3 में जो ट्रांजेक्शन कवर है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, इसलिए इसको नेगेटिव लिस्ट भी कहते हैं कॉमन सेंस में। लॉ में तो कहीं लिखा नहीं, बस ठीक है जनरल आम आदमी कहता है इसको, जीएसटी वाले लोग। ओके तो सर शेड्यूल 3 में क्या क्या ट्रांजेक्शन कवर है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अच्छा आप केवल बुक में रेफरेंस के लिए आपके लिए ओपन करिए, आपको कंफर्ट दिखे इसलिए, बाकी सर ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए आपका। फर्स्ट, एनी सर्विस सप्लाइड बाय एन एम्प्लॉई टू हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सर एम्प्लॉय को सैलरी जो हम पे करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो पैसा दिया उस पर जीएसटी नहीं है, पर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉई आपका है, उसको जो एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में आपने पैसा दिया उस पर जीएसटी नहीं, पर उसने आउट ऑफ द वे जाके कोई काम दूसरा किया है उस पर आपने कमीशन को पे किया या कोई और फीस पे करी विच इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पर जीएसटी लगेगा। एक और एग्जाम्पल, डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो कंपनी पे करती बेटा, सर उसके केस में क्या होगा। सर अगर डायरेक्टर इज वर्किंग एज होल टाइम डायरेक्टर और सर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है और ऐसे केस में उसको अदर देन सैलरी कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, तो सर इस पे इनकम टैक्स का भी सैलरी वाला टीडीएस करता है सर, प्रोफेशनल फी वाला टीडीएस नहीं करता, देयर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग एनी जीएसटी ऑन सच फीस। पर अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है सर जो कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता है कंपनी का, तो ऐसे केस में उनको जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हो दैट इज अ प्रोफेशनल फी नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पर प्रोफेशनल फी का 194J का टीडीएस कटता है और ऐसे केस में उस पर जीएसटी लगेगा, दैट इज अ प्रोफेशनल फी। ओके और ध्यान रखना डायरेक्टर जो सर्विस देते हैं कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर हाँ, जो भी डायरेक्टर काम कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उस पर कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं, जब लेवी नहीं होगा तो जीएसटी की बात भी नहीं आएगी। ओके सरकार, सेकेंड, कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल को आपने कोई फीस पे किया है, एनी सर्विस प्रोवाइड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज कॉल्ड इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब कोर्ट फीस पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। और हाँ, द टर्म कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इन पे कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। तो सर आप ध्यान रखना, कभी भी कोई अपील वगैरह हम फाइल करते हैं तो उसमें देखना कोर्ट फी हम पे करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड, देश के नेता लोग, हाँ जी सर देश के नेता लोग, फर्स्ट कैटेगरी सर एमपी एमएलए या मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी पंचायत, तो सर इन नेता लोगों को ध्यान देना बेटा, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, ये देश के एम्प्लॉय नहीं है, ये देश के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, पर ये अपना इतना कीमती वक्त, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देश के कल्याण के लिए इन्वेस्ट कर रहे, तो इनको एक ऑनरेरियम मिलता है, क्लियर, ये सैलरी नहीं होता है, ऑनरेरियम मिलता है। तो सर यहां पर शेड्यूल 3 में लिख दिया कि नहीं नहीं इनकी सर्विस सर्विस ही नहीं है, मतलब सर देयर सप्लाई विल नॉट बी ट्रीटेड एज इफ दे आर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर, क्लियर। अच्छा, तीन कैटेगरी के नेता है, फर्स्ट कैटेगरी मैंने बात करी, सेकंड, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई है और उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है एज ए डायरेक्टर एज ए चेयरमैन और उस पोस्ट की वजह से आपको पैसा मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके आप चेयरमैन हो, उसकी वजह से कोई पैसा मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी है और उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी है एज ए डायरेक्टर एज ए मेंबर और उस पोस्ट की वजह से पैसा मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल आईसीएआई सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसके आप प्रेसिडेंट हो, उसके आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो, उसके आप रीजनल काउंसिल मेंबर हो और उस पोस्ट की वजह से अगर आपको कोई फीस मिल रही है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर यहां ध्यान रखना, इन लोगों ने उस पोस्ट की वजह से जो इनको फीस मिल रही है उस पर जीएसटी नहीं है, पर इन लोगों ने कोई और सर्विस दी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया नॉर्मल, उस पर तो सर नॉर्मल सर्विस पर नॉर्मल जीएसटी लगता है सर। ओके, फोर्थ सर, अंतिम सेवा, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, सर अंतिम सेवा पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार
आज हम कुछ भी कर ले, पर जाना तो हमें एक ही रास्ते से है और उस रास्ते पे भेजने की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। भेजने की सर्विस मतलब फ्यूनरल सर्विसेज, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। सर अगर आप किसी एक्सपायर्ड पर्सन को, डेड बॉडी को अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उन्होंने जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मान लो एयरलिफ्ट करके लेके गए या किसी भी व्हीकल से लेके गए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज के लिए जो चार्ज लिया है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा एम्बुलेंस सर्विस, भाई एम्बुलेंस तो जरूरत थोड़ी कि डेड पर्सन को ले जाए, एम्बुलेंस सर्विस क्लियर, हॉस्पिटल बीमार आदमी को लेके जा रही है सर, वो यहां कवर नहीं है। पर हाँ एम्बुलेंस सर्विसेज पे जीएसटी आगे मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में एग्जम्प्ट किया हुआ सर, पर हाँ डेड बॉडी को अगर ले जा रहे तो यहां पे कवर होगा, जीएसटी नहीं लगता। देन सर ध्यान रखना, सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन कवर्ड इन पैरा नंबर 5 क्लोज बी ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। भाई हमने पढ़ा ना 70 फ्लैट्स सप्लाई ऑफ सर्विस में आएंगे, उसके अलावा कोई भी सेल ऑफ लैंड किया है, सेल ऑफ बिल्डिंग किया है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, हमने पढ़ा था शेड्यूल 3 पैरा 5 आएगा, ये आ गया सर। देन एक्शनेबल क्लेम्स, सर ध्यान रखिएगा जीएसटी एक्ट के अंदर गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। सर क्यों पता है? क्योंकि सर बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पर प्री जीएसटी रिजिम में भी टैक्स लगता था, एंड सर ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट इसका टैक्स लेती थी, एंड सर स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू लूज देयर रेवेन्यू, इसलिए और इस पर जीएसटी कंटिन्यू करने के लिए, जीएसटी लगाने के लिए सर क्या किया, पहले एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में लेके आया और फिर बोल दिया नहीं 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 नहीं, ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 3, दोज विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस पर अदर देन बेटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी। मतलब बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी के केस में जीएसटी लगेगा। और सर अगर आप सट्टा खेलते हो, जुआ खेलते हो, अरे मजा आता होगा जिंदगी में, है ना? अबे ओ सर तो जो भी लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, माहौल बनाते हैं, उनको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो सर बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी एक्शनेबल क्लेम होता है, इसलिए उसको पहले गुड्स की डेफिनेशन में रखा जीएसटी में और फिर बोल दिया सारे एक्शनेबल क्लेम जीएसटी से बाहर है एक्सेप्ट बेटिंग गैम्बलिंग एंड लॉटरी। और हाँ सर सुनना, आगे एक सर्कुलर भी मैं यही बताता हूं आपको, बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, सर लॉटरी टिकट जो आप परचेज करते हो, बेटिंग जो आप करते हो, गैम्बलिंग जो आप करते हो, जुआ है ना, ये सब सप्लाई के स्कोप में आते हैं, इन पे जीएसटी लगेगा। और हाँ सर ध्यान रखना इन पे रेट ऑफ टैक्स है 28%, वैसे रेट ऑफ टैक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं पर जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ 28%। अच्छा बेटिंग गैम्बलिंग इंक्लूड्स हॉर्स रेसिंग ऑल्सो, हाँ है ना सर, महालक्ष्मी रेस कोर्स, हॉर्स रेसिंग वगैरह जो होती है उसमें तो सट्टा लगाते हो आप, वो भी इसमें कवर होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। अच्छा जो आप बेट वैल्यू लगाते हो, वैल्यूएशन में कवर है बेटा रूल नंबर 31A, वहां लिखा हुआ है, पर यहां बता रहा हूं आपको, जो बेट वैल्यू, जैसे आपने 1,00,000 रुपए का सट्टा खेला, 1,00,000 रुपए का जुआ खेला, गेमलिंग की आपने, तो 1,00,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट इंक्लूसिव जीएसटी, इस पे 28% ओवर एंड अबव द प्राइस जीएसटी आपको और पे करना पड़ेगा। क्लियर, बेटिंग और गेमलिंग के केस में। हाँ लॉटरी टिकट के केस में जो फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट होती है उसको इंक्लूसिव जीएसटी माना जाता है। तो फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट या जो प्राइस डिक्लेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट इन देयर ऑफिशियल गजट विच एवर इज हायर, उसमें से सर 28% जो होता है उसको इंक्लूसिव जीएसटी मानते हुए टैक्स पे करते हैं। क्लियर, वैसे हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे पर जस्ट बताया आपको नॉलेज के लिए बेटा। ओके क्लियर माहौल सरकार। देन ये तीनों पॉइंट जो है बेटा, पॉइंट नंबर 7, 8A और 8B, इट इज रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिगार्डिंग कस्टम्स, ये पॉइंट एड किए बाद में बेटा, पर तुम्हें बता देता हूं पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। सर अगर आपने मान लो जापान से कोई गुड्स परचेज किया, जापान से कोई गुड्स परचेज किया और चाइना बेच दिया विदाउट दोज गुड्स बीइंग एंटरिंग इनटू इंडिया, इंडिया में आई नहीं, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से परचेज किया और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही बेच दिया, या आप जापान गए सर वहां पे से कुछ गुड्स परचेज किया और जापान में ही बेच दिया, तो क्या इंडिया में जीएसटी लगाएंगे क्या? पर टेक्निकली आईजीएसटी एक्ट की डेफिनेशन जो दे रखी है सेक्शन नंबर 7 में रिगार्डिंग इंटरस्टेट सप्लाई, उसमें ये कवर हो रहा था साहब, इसलिए गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं नहीं, दिस इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं ये तीनों पॉइंट 7, 8A और 8B, ये तीनों सप्लाई आईजीएसटी एक्ट में जो सेक्शन दे रखे इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में उसमें कवर हो रहे थे, इन पे आईजीएसटी लग रहा था, जो जेन्युइन नहीं था, नहीं लगना चाहिए था, ऑपरेशनल डिफिकल्टी थी इसके अंदर सर, इसलिए गवर्नमेंट ने बाद में ये तीनों पॉइंट ऐड किए शेड्यूल नंबर 3 में। बताता हूं मैं पॉइंट नंबर 1, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से परचेज किया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बेच दिया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग एनी जीएसटी, क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी में ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग जीएसटी, इसलिए जीएसटी से एक्सक्लूड कर दिया शेड्यूल नंबर 3 में इसको कवर करके। फिर पॉइंट नंबर 8A बोलता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर किया और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आपने उन गुड्स को किसी को बेच दिया,
सर बिफोर क्लियरिंग इट फॉर होम कंजम्पशन आपने उनको वेयरहाउस में ही बेच दिया, तो उसको सर यहाँ पे शेड्यूल थ्री में कवर करके बोल दिया, निदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, कोई जीएसटी नहीं लगाना। क्योंकि जब हम कस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि जब कस्टम मॉनिटरी वेयरहाउस से जो पर्सन इन गुड्स को क्लियर कराता है फॉर होम कंजम्पशन, तो उस टाइम पे उसको कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी पे करना होता है। और उस टाइम पे अगर उसने वेयरहाउस में कोई गुड्स बेचा है खरीदा है तो जो लास्ट बायर होता है तो जो हाईएस्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है उस पर वैसे भी आईजीएसटी लग जाता है, तो बार बार आईजीएसटी क्यों लगा है। इसलिए यहां पर पॉइंट नंबर 8A में कवर करके बोल दिया कि जो वेयरहाउस में गुड्स बेचा है उस पर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, जब वेयरहाउस से निकलेगा तो एनीवेज आईजीएसटी उस टाइम लगने वाला है सब। देन 8B कहता है क्या, कोई गुड्स हाईसी में है, मतलब कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिट है, अभी इंडिया में इंटर नहीं हुआ है, और उससे पहले आपने बाय ट्रांसफरिंग द टाइटल डॉक्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एनीबडी एल्स आपने गुड्स किसी को बेच दिया, उसको बोलते हैं हाईसी सेल, गुड्स हाईसी में है और आपने किसी को बेच दिया, तो सर उस पर आपको अभी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, देयर इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि जब वो गुड्स इंडिया में आएगी कस्टम क्लियरेंस होगा तब उस टाइम पे कस्टम के साथ में आईजीएसटी एनीवेज लगने वाला है, तो डबल बार आईजीएसटी क्यों लगाए। इसलिए साहब उसको बोल दिया नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं पे करना है। तो इन तीनों ट्रांजेक्शन को वापस बोल रहा हूं मैं बेटा आपके लिए। सर क्या बोला मालिक इन तीनों के लिए, ये बोला है कि अगर आपने कोई गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से परचेज किया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही बेच दिया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग जीएसटी। सेकंड, सर गुड्स को इंडिया में ले आए, कस्टम मॉनिटर वेयरहाउस में रखा और कस्टम क्लियरेंस कराने से पहले फॉर होम कंजम्पशन ले जाने से पहले किसी को बेच दिया, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि एनीवे जब क्लियरेंस होगा तब कस्टम के साथ में आईजीएसटी आपको पे करना ही है, तो बार बार क्यों पे करवाए। और थर्ड, हाईसी सेल, मतलब कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है, बिफोर एंटरिंग द गुड्स इनटू इंडिया आपने किसी को गुड्स बेच दिया बाय ट्रांसफरिंग द टाइटल डॉक्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एनीबडी एल्स, तो ऐसे केस में उस पर भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि एनीवे जब गुड्स को क्लियर कराओगे फॉर होम कंजम्पशन तब कस्टम के साथ में आपको आईजीएसटी पे करना ही है, तो बार बार क्यों पे करवाए साहब। ओके डन। चलिए सर अब दो तीन सर्कुलर दे रखे उसके बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्टर रेमुनरेशन की बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं। देन बात कर रहा हूं आपसे किससे, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ध्यान रखिए बेटा, कंज्यूमर कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन जो होता है उसको कोर्ट का ही दर्जा दिया हुआ है, बोला हुआ है। नो डाउट टेक्निकली कोर्ट नहीं है, पर वो सारे काम जो कोर्ट करता है वो काम ये भी करते हैं, वो सारे पावर्स एंड ड्यूटीज जो कोर्ट की होती है वो इनकी भी है, इसलिए इसको कोर्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और कोर्ट फी पे कोई जीएसटी नहीं लगता। इसलिए कोई भी फीस अगर आप पे कर रहे हो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन को, तो दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ सर्विस, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स, और कोई जीएसटी उनकी फीस में नहीं लगेगा। क्लियर। और हाँ बच्चों, गवर्नमेंट ने दो सर्कुलर और इश्यू किए जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर सिंपल सा पॉइंट हमने ऑलरेडी शेड्यूल नंबर 3 में पढ़ लिया है कि अगर कोई एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर के लिए काम किया है इन द कोर्स और इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे केस में जो भी उसको सैलरी मिल रहा है दैट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। क्लियर। अब उसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई परक्विजिट्स दे रहा है साहब, जैसे कंपनी की कार, फ्यूल रीइंबर्समेंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जो भी परक्विजिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन आया कि साहब वो परक्विजिट भी क्या है। सर वो एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सर वो सैलरी का पार्ट ही, एक तरह से सैलरी ही है सर, इसलिए परक्विजिट जो एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, सर वो भी जीएसटी के स्कोप में नहीं आएंगे, नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल। ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने इश्यू किया साहब, देख लीजिए ध्यान से। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। यहां साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है क्या, एनी परक्विजिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय आर इन लियू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इट फॉलोज देयर फ्रॉम दैट। इसका मतलब क्या हुआ साहब, परक्विजिट्स इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ काइंड ऑफ सैलरी ओनली। तो जो भी एक्टिविटी एम्प्लॉय ने परफॉर्म करी है इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयर, तो सर उसके जो भी उसको कंसिडरेशन मिल रहा है दैट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल। तो सर इसलिए परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर इनटू बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी, और सर इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा व्हेन द सेम आर प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एग्जाम्पल ऑफ परक्विजिट्स मैं आपको बता चुका हूं, कंपनी कार, फ्यूल रीइंबर्समेंट, इंटरेस्ट फ्री लोन, मेडिकल फैसिलिटीज, क्रेडिट कार्ड्स, रेंट फ्री अकोमोडेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर। तो कुल मिला के परक्विजिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, तो साहब दैट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, जो एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी एम्प्लॉयर को उसी की कैपेसिटी में उसको ये मिल रहा है परक्विजिट, नॉट चार्जेबल टू जीएसटी एट ऑल।
क्लियर डन। सर एक और सर्कुलर जो इश्यू हुआ सिंपल सा ये बोलता है, मान लो मैंने आपसे कोई लैंड परचेज करी, जमीन परचेज करी साहब। अब मैंने जो लैंड परचेज करी है, आपने लैंड बेचा है साहब मेरे को, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सर इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, शेड्यूल 3 पैरा नंबर 5 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब साहब आपने जो मुझे लैंड बेची, मान लो रुपीज 1 crore में मैंने वो लैंड परचेज करी, अब मैंने क्या किया साहब, उस लैंड का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करवाया साहब। जैसे मान लो आपने लैंड जो मेरे को भेजी थी, जो मेरे को सेल किया आपने, वो बिल्कुल रॉ लैंड थी, मतलब उस पे यू नो बिल्कुल लेवलिंग सही नहीं था उसका, एकदम उबड़ खाबड़ होती ना सर, खड्डे है, पत्थर पड़े है, मिट्टी है उधर, मतलब लैंड वॉज नॉट फिनिश्ड। मैंने क्या किया साहब, सरकार जेसीबी बुलवाया, लैंड को एकदम जो भी उसमें खराब चीज थी उसको हटवाई, साफ सफाई कराई लैंड की, एकदम शानदार लेवलिंग करा दिया साहब, उसमें ड्रेनेज डलवा दिया या दो तीन एक्टिविटी और करा दी, और कुल मिला के लैंड एकदम शानदार। अब कोई लैंड खरीदने आया, मैंने वो लैंड उसको दिखाई, मजा आ गया उसको, और मैंने मान लो ₹3 crore में वो लैंड उसको बेच दी। तो क्वेश्चन ये आता है कि उस लैंड को डेवलप कराने के बाद मैंने उसको बेचा है, क्या मैंने कोई फ्लैट बेचा है, क्या अंडर कंस्ट्रक्शन कोई फ्लैट बुकिंग कराई क्या, नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने बेचा क्या है, मैंने लैंड ही तो बेचा है साहब, और लैंड बेचने पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो भले ही मैंने उस लैंड पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कराने के बाद साहब उस लैंड को बेचा है, बट स्टिल इट इज अ सेल ऑफ लैंड ओनली, और सेल ऑफ लैंड पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आप देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन्स एटसेट्रा, इसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन आया। पॉइंट नंबर 1 देखिए आप, लैंड मे बी सोल्ड इधर एज इट इज और आफ्टर सम डेवलपमेंट सच एज लेवलिंग लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन्स वॉटर लाइन्स इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स एटसेट्रा। तो सर मैंने आपसे लैंड परचेज किया, उस पर यह सब काम करवाया, अब जब मैं बेच रहा हूं तो अल्टीमेटली क्या बेच रहा हूं, लैंड ही तो बेच रहा हूं, हां उस पर मैंने कुछ एक्टिविटीज करवाई है, पर अल्टीमेटली मैंने बेचा क्या है, लैंड बेचा ना भाई। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट सप्लाई। तो अल्टीमेटली इट्स अ काइंड ऑफ कंपोजिट सप्लाई ओनली, और मैंने उसको क्या बेचा है, लैंड बेचा है बेटा। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, लैंड बेचा है मैंने उसको, लेवलिंग कराने के बाद बेचा है, पर बेचा तो मैंने लैंड है ना यार, इसलिए सेल ऑफ लैंड इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर हां मान लो वो जेसीबी थी, मान लो मिस्टर एक्स वाई जेड की, उससे मैंने सर्विसेज ली, लेवलिंग की, इलेक्ट्रिसिटी लाइन मैंने बिछवाई किसी से, ड्रेनेज का काम किसी कॉन्ट्रेक्टर से करवाया, तो उन्होंने जो मेरे को बिल लिखा होगा अपनी सर्विसेज का बिल, कॉन्ट्रेक्टर ने बिल लिखा होगा साहब ड्रेनेज लाइन लगाने का, ड्रेनेज लाइन सर वहां पर बनाने का, ये इतना ₹1 lakh का बिल है, तो 1 lakh पर वो जीएसटी लगा के देगा, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? तो मैंने जो एक्टिविटीज आपसे करवाई है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये एक्टिविटीज कराने के बाद लैंड एकदम रेडी हो गई, शानदार ब्यूटीफुल, और सर वो लैंड मैंने बेचा है, तो मैंने जो बेचा वो तो लैंड ही है बेटा, दैट इज सेल ऑफ लैंड ओनली, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आपने जो मेरे को लेवलिंग वाली सर्विसेज दी है, ड्रेनेज लाइन एटसेट्रा, ये जो अदर सर्विसेज आपने मेरे को दी, वो सप्लाई ऑफ सर्विस जरूर हो सकता है, वो यहां लिखा है साहब। एक बार वापस से पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 को, लैंड में भी सोल्ड इधर एज इट इज, हो सकता है मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं कराया, एज इट इज बेच दी, और आफ्टर सम डेवलपमेंट सच एज लेवलिंग लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन्स वॉटर लाइन्स इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स एटसेट्रा, इट इज क्लेरिफाइड दैट सेल ऑफ सच डेवलप्ड लैंड इज ऑल्सो सेल ऑफ लैंड ओनली एंड इज कवर्ड बाय शेड्यूल नंबर 5 ऑफ शेड्यूल नंबर 3 of the CGST Act, that is, sir, neither supply of goods nor supply of service and accordingly does not attract GST. But yes, जो आपसे मैंने drainage की services ली, आपसे जो मैंने leveling कराने की services ली, वो supply of service होगा, देखिए ध्यान से। However, it may be noted that any service provided for development of land, like leveling, laying of drainage lines, as may be received by the developers, shall attract GST at the applicable rate for such services. तो जो आपने मेरे को सर्विसेज दी, आपने एक मेरे को 1 lakh का बिल लिखा, आपने मेरे को 50,000 का बिल लिखा फॉर लेवलिंग, वो जैसे भी चलाने वाले ने जो बिल लिखा होगा, वो ड्रेनेज बनाने वाले ने जो बिल लिखा होगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज उन्होंने मेरे को दिए, वो लैंड मैंने एकदम रेडी कर दी, अब मैंने जो लैंड बेचा है दैट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, उनके सर्विस चार्ज पे जीएसटी भले लग जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर डन। ये दो सर्कुलर इश्यू थे जिसके बारे में मेरे को एड करना था, पॉइंट मैंने ऐड कर दिया सर। अच्छा, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर, अब कंटिन्यू होगा सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर 20 से माहौल के साथ। क्लियर सर, माहौल डन। सरकार देन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 20 सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 वहां दो पॉइंट लिखे थे कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर ये रहा आपका पॉइंट,
उसका क्लोज नंबर ए हमने पढ़ लिया शेड्यूल नंबर थ्री वाला, उसका क्लोज नंबर बी क्या बोलता है सर? क्लोज नंबर बी बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ एक्टिविटीज को नोटिफाई कर सकती है कि ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा अगर वो एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई काम एज अ पब्लिक अथॉरिटी करती है तो उसको गवर्नमेंट को पावर दिया कि उस एक्टिविटी को नोटिफाई करके बोल सकती है कि इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। हाँ है ना? और एट प्रेजेंट दो नोटिफिकेशन दे रखे गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के थ्रू, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर दो नोटिफिकेशन। फर्स्ट क्या है साहब? सर ऐसा कोई काम, ओके आपका नजर इधर रहना चाहिए बेटा, इधर ठीक है कुछ भी लिखाओ। अच्छा मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूं, ये अपनी जो समरी बुक है वो मैंने ओपन करेगी यहाँ पे, आप चाहे तो समरी बुक देखे, आप चाहे तो मेन बुक देखे, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे को देखे अभी। ओके सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, ऐसा कोई काम, अच्छा अब नोटिफिकेशन बता रहा हूं जहां पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बोल दिया कि इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा कोई काम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल नंबर 243W में लिखा हुआ है जो म्युनिसिपैलिटी काम है, और सेकंड ऐसा कोई काम जो पंचायत के है जो आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, वो काम जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को बताया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो काम अगर परफॉर्म कर रहा है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, एनी ऑफ द फंक्शन विच आर एंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी ऑफ द फंक्शन विच इज एंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो फंक्शन वो काम किए किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने या लोकल अथॉरिटी ने, तो ऐसे केस में उसके लिए जो गवर्नमेंट ने फीस चार्ज किया होगा, आज मान लो मुंबई को साफ करना है, मुंबई को साफ करना मतलब मुंबई की साफ सफाई भाई, सर स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू मुंबई की साफ सफाई करनी है, वो काम किसका है? सर म्युनिसिपैलिटी का है, इस पर आर्टिकल नंबर 243W का, वो ठेका मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया, मोदी जी ने बोला मुंबई को साफ मैं करूंगा सर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ठेका ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सर ऐसे किसी काम का जो आर्टिकल नंबर 243W में कवर है या 243G में कवर है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो फीस चार्ज करेगी म्युनिसिपैलिटी से, उस फीस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ये फर्स्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। सेकंड सर दारू, सर दाब दारू बोलते और नशा चढ़ने लग जाता है, दाब अबे ओ पीने का नहीं, ठीक है पॉइंट ये पिलाओ भले पर पीने का नहीं सर। और एक बात और कह देता हूं मैं, नशा शराब से नहीं चढ़ता है, नशा माहौल से चढ़ता है, क्लियर? इसलिए माहौल जमना चाहिए, नशा नहीं। पॉइंट पर आपसे यह है कि अल्कोहल लिकर बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए बेटा, ऐसा नहीं कि कोई भी दुकान लेके खड़ा हो जाए और यह दारू बेच रहा, नहीं सर। आपने देखा होगा कई सारी जगह पे अल्कोहल लिकर के ठेके उठते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सब, है ना सर? आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा जिसके पास लाइसेंस लिकर सर्व करने का लाइसेंस होता है वही लिकर सर्व कर सकता है, कोई और नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ देखा है, अबे वो कहा जाते हो तुम ऐसा? सर पॉइंट मेरा आपसे ये है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो चाहे तो लिकर लाइसेंस दे या ना दे, तो ऐसे केस में जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है वो एप्लीकेशन फी पे करता है, लाइसेंस फी पे करता है टू सर्व द लिकर, टू सेल द लिकर, तो ऐसे केस में लाइसेंस फी जो चार्ज किया स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एप्लीकेशन फी या लाइसेंस फी जो भी चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी माहौल। सरकार ये हो गया सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2। ओके अब सर एक बात और, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3। सर गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वो नोटिफाई कर सकता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, और गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो नोटिफाई करके बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा, और एट प्रेजेंट सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन अब तक इश्यू नहीं किया हुआ है, क्लियर? हाँ पावर देके रखा है गवर्नमेंट को कि अगर कभी झगड़ा होगा तो गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई करके बता सकता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा, और एट प्रेजेंट कोई झगड़ा इस तरह का आया नहीं सामने जिसके लिए कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया है, क्लियर? अब जाके सेक्शन नंबर 7 सप्लाई खत्म होता है सर। देखो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ने क्या बताया, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी सी,
इन्हें बोला कंसिडरेशन भी होना चाहिए, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। बी बोलता है कोई बात नहीं, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, फॉर कंसिडरेशन सप्लाई। सर शेड्यूल थ्री क्लोज मसी बोलता है कोई बात नहीं, कंसिडरेशन भी नहीं है, अगर कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल वन में कवर तो सप्लाई होगा। क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहली बात सर, कभी भी एग्जाम में या कभी भी लाइफ में कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, चलो एक बार सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 इन्हें बोला है कि जो ट्रांजेक्शन सप्लाई है उसमें झगड़े है, तो शेड्यूल 2 ने बोल दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। क्लियर? पर वो सप्लाई होना चाहिए इसमें सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है फॉलोइंग सप्लाई ही नहीं है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, जो शेड्यूल 3 में कवर है वो, और गवर्नमेंट ने जो दो ट्रांजेक्शन नोटिफाई किए वो, प्लस 7(3) तो अभी काम का नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन इशू हुआ ही नहीं। तो मेनली देखा जाए तो कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई है या नहीं है, वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ने डिफाइन किया। फिर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 में देख लेना कि कहीं वो मना तो नहीं किया गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कि ये सप्लाई नहीं होगा, हाँ है ना, जो शेड्यूल 3 में कवर है और जो ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए वो। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके लाइफ में आता है या कोई भी पॉइंट आपके सामने आता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई है या नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करने का, सर सबसे पहले देखने का क्या वो ट्रांजेक्शन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में कवर होता है, कि इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, फॉर अ कंसिडरेशन भी है, यस सप्लाई है, खत्म, आगे देखने का ही नहीं। पर अगर आपको लगता है नहीं वो तो विदाउट कंसिडरेशन है, तो ऐसे केस में देख लो क्या वो शेड्यूल 1 में कवर है। जैसे फ्री सैंपल बांट दिया आपने, फ्री सैंपल बांट दिए सर, जैसे मेडिसिन बनाई मैंने अभी, सर आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्या वो सप्लाई है कि नहीं है? पहली बार तो फ्री, तो सर शेड्यूल 1 में कवर होगा तो सप्लाई होगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 7(1)(a) बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, क्लोज बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए फॉर कंसिडरेशन, क्लोज सी बोलता है विदाउट कंसिडरेशन वाले। अब देख लेना क्या शेड्यूल 1 के चारों ट्रांजेक्शन कवर है क्या, अगर कहीं भी कवर है तो सप्लाई होगा, नहीं तो सप्लाई नहीं। सेकंड, अगर वो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो देख लो क्या वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर है तो ही बात करना, वरना सर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना ही चाहिए, केवल वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए बोला है, इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो चल जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि सर सप्लाई है कि नहीं, पहले क्लोज नंबर ए देखना, क्लोज नंबर ए में कवर नहीं तो बी देखना, बी में कवर नहीं तो सी देखना, और सी में कवर है तो सप्लाई है, तीनों में कवर नहीं तो सप्लाई नहीं है। अच्छा हाँ, तीनों में कवर है तो लास्ट में एक बार जरूर चेक करना कि क्या वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस में तो कवर नहीं है कहीं। क्लियर? डन। और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा बेटा, भारत माता की जय। इस तरह से सप्लाई को आप हमेशा डिफाइन करिएगा। चलिए अब दो तीन सर्कुलर और है, वो भी बात कर लेते हैं हम सर सप्लाई के बाद। सर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम में क्या होता है साहब, एक लेंडर होता है जो ऑथोराइज इंटरमीडिएट के थ्रू सिक्योरिटीज लेंड करता है बोरोवर को। आज मान लो मेरे पास रिलायंस के 1 लाख शेयर है सर, है नहीं है सर, पर हाँ मान लो है सर, और मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरे को ना बेचना है ना खरीदना है, मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर रखा है, 2 साल बाद देखेंगे क्या करना है। तो सर वर्किंग कैपिटल को मोबिलाइज करने के लिए मेरे को एक स्कीम दिया गया कि मैं चाहूं तो अपने वो 1 लाख सिक्योरिटीज को लेंड कर सकता हूं किसी बोरोवर को। अब मान लो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या आपको लगता है कि मैं इससे कमा सकता हूं 2 साल के अंदर, तो आपने क्या किया, मेरे से 1 लाख शेयर्स बोरो कर लिए साहब। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, वो 1 लाख शेयर जो आपने बोरो किए हैं थ्रू ऑथोराइज इंटरमीडियरी, उसको आप बेचोगे, बेच के पैसा रिकवरी करेंगे, और फिर उसको आप अपने बिजनेस में लगा दोगे, जहां लगाना लगाएंगे उस पैसा को यूज करके आपने मान लो पैसा कमा लिया। फिर मैंने आपको कहा था 1.5 ईयर बाद, मतलब 18 मंथ बाद मेरे को सिक्योरिटीज वापस चाहिए, तो 18 मंथ बाद आप मेरे को उतने उतने शेयर वापस देंगे, भले वो महंगे हो सस्ते हो आप मेरे को देंगे, अलोंग विद द कॉर्पोरेट बेनिफिट अगर मिले तो। क्लियर? इस तरह से बिजनेस होता है ये वाला। अब सर जो लेंडर ने सिक्योरिटीज लेंड करी है थ्रू अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, ऑथोराइज इंटरमीडियरी, तो सर ऐसे केस में मैं क्यों लेंड करूंगा भाई, मेरे को फीस मिलेगा लेंडिंग फीस, तो वो लेंडिंग फीस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, मैंने सिक्योरिटीज बेचा नहीं है। देखो सिक्योरिटीज इज नॉट कवर्ड इन गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में सिक्योरिटी नहीं आता है, मनी इन सिक्योरिटीज आर नेवर सर गुड्स और सर्विस। तो सर सिक्योरिटीज मैंने बेचा नहीं, लैंड किया, लैंडिंग फीस लिया, दैट इज चार्जेबल टू जीएसटी, सप्लाई है, हाँ जीएसटी लगेगा, पर यस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बोरोर लायबल है टैक्स पे करने के लिए, तो बोरोर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज, पर टैक्स तो लगेगा। सेकंड बात, जो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी है वो अपना क्या लेगा, कमीशन लेगा भाई, हाँ है ना, ब्रोकरेज लेगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं सर इसके अंदर भी। क्लियर? डन। ये सर्कुलर ने डिफाइन किया ट्रांजेक्शन और समझाया। ओके नेक्स्ट सर, गवर्नमेंट जो यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप जो गवर्नमेंट सेल करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेल करते हैं, क्या वो टैक्सेबल होते हैं? आंसर है यस,
दोज आर ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट, टैक्सेबल होता है, सप्लाई के स्कोप में आता है. पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए. पर अगर सर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद टैक्स पे करेगा सर उस केस में. ओके डन. ये जो मैंने आपको समझाया है सप्लाई के को समझने के लिए स्कोप, वही मैंने यहाँ पे चार्ट फॉर्म में दे रखा है. ओके आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, सेक्शन नंबर 8. सर ये पूरा सेक्शन नंबर 7 खत्म हो गया हमारा, सेक्शन नंबर 9 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 8 आ गया, मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई. बहुत ही शानदार सेक्शन है सर. सर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपने मान लो मोर देन वन सप्लाईज, इफ मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टूगेदर इन कॉन्जंक्शन विथ इच अदर, आपने कोमो बेचा है बेटा गुड्स और सर्विसेज का, या मोर देन वन गुड्स का मोर देन वन सर्विसेज का, या गुड्स प्लस सर्विसेज का आपने कोई कोमो बेचा है, तो ऐसे केस में वो कंपोजिट है या मिक्स सप्लाई है. उसके लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर. देखना ध्यान से, मैं समझा देता हूं आपको बेटा. कभी भी कोई सप्लाई अगर कंबाइंड किया आपने, कॉम्बो करके बेचा है आपने, बंडल्ड वे में बेचा है आपने, मोर देन वन गुड्स और मोर देन वन सर्विसेज है, या मोर देन वन सर्विसेज है, मोर देन वन गुड्स है, गुड्स या सर्विसेज है, कॉम्बो है, तो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा क्या वो नेचुरली बंडल्ड है या आर्टिफिशियली बंडल्ड है. इफ दोज आर नेचुरली बंडल्ड, मतलब अच्छा नेचुरली बंडल्ड किसको कहते हैं बेटा, इफ दोज आर सप्लाइड इन कॉन्जंक्शन विद इच अदर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सर ऑर्डिनरी साथ में सप्लाई होता है ये, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई. एंड इफ दोज आर नॉट सप्लाइड इन कॉन्जंक्शन विद इच अदर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मली ऐसा साथ में सप्लाई नहीं होता पर आपने कॉमो बना के बेचा है, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या मिक्स सप्लाई. मिक्स सप्लाई केस में देयर शुड बी अ सिंगल प्राइस, सिंगल प्राइस है तो ही मिक्स सप्लाई कहलाएगा बेटा. क्लियर. तो ऐसे केस में अब सवाल आता है कि सर इस कॉम्बो को किस में क्लासिफाई करें, कौन सी सप्लाई में क्लासिफाई करें, क्या रेट से टैक्स लगाए, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 8 ने बहुत अच्छे से कहा है कि इफ दी सप्लाईज आर कंपोजिट सप्लाई, मतलब जहां पर नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, तो ऐसे केस में भले ही आपने प्राइस अलग अलग लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, सबके प्राइस को कंबाइन करेंगे क्योंकि वैल्यूएशन का सेक्शन में 15 भी यहां रोल प्ले करता है. कंपोजिट सप्लाई के केस में इन सारी वैल्यूज को हम कंबाइन करेंगे. सर कोमो बेचा आपने, इफ मोर देन वन सप्लाईज आर सप्लाइड इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर, साथ में आपने सप्लाई किया तो सारी वैल्यू को हम कंबाइन करेंगे, और इस पूरे कॉम्बो के अंदर जो मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है उस कॉम्बो को, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जो मेन सप्लाई है पूरे कॉम्बो की प्राइस को, हम उसमें क्लासिफाई करेंगे. एंड उस प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट ऑफ टैक्स होता है, भले ही हायर हो, लोअर हो, एग्जम्प्ट हो, कुछ भी हो, वो ही अप्लाई होगी पूरे कॉम्बो पे बेटा. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको सर. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बनाता हूं, मान लो मोबाइल फोन बनाता हूं सर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन. क्लियर सर. या कोई भी गुड्स मैं मैन्युफैक्चर करता हूं और ये गुड्स जो मैंने मैन्युफैक्चर करी है, ये आपने मेरे से परचेज करी और मैं आपके घर तक डिलीवरी देता हूं सर, होम डिलीवरी करेंगे हम गुड्स का. कोई मशीन है, मशीन बनाता हूं, मशीन बना के बेचता हूं, और आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप मेरे से मशीन परचेस करेंगे और सर मैं आपकी मशीन, जो मशीन है वो आपकी फैक्ट्री पे इंस्टॉल करके जाऊंगा, वहां तक का कॉस्ट मेरा सब मिला के 1,00,000 रुपए. मोबाइल बेचा है 1,00,000 रुपए का, आपके घर पर डिलीवरी होगी, तो सर ये मोबाइल के अंदर क्या है, डिलीवरी चार्जेस भी है, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी है. मशीन के केस में क्या है सर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी है, डिलीवरी आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी है, ट्रांजिट इंश्योरेंस भी, सब कुछ है. ये सब मिला के मैंने 1,00,000 रुपये आपसे लिया है. हाँ है ना, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था आपके यहां तक डिलीवरी करने का. अब मैंने मान लो भले ही बिल में अलग अलग वैल्यू भी चार्ज कर दिया, तो भी सारे अमाउंट को मिला के एड करके हम देखेंगे दिस इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई. अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है भाई, मोबाइल बेचना इज मोर इंपॉर्टेंट ना, ट्रांसपोर्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट ना. क्लियर. प्रिंसिपल एलिमेंट इज सप्लाई ऑफ मोबाइल, तो पूरे 1,00,000 पर क्या लगेगा, मोबाइल के पूरे मोबाइल पूरे 1,00,000 को मोबाइल में ही क्लासिफाई कर देंगे, और मोबाइल पे जो रेट ऑफ टैक्स होगा, भले हायर हो, लोअर हो, एग्जम्प्ट हो, उसमें क्लासिफाई कर देंगे. क्लियर. मशीन की जो रेट होगी वो लग जाएगी, ट्रांसपोर्ट पे रेट क्या उसे कंसर्न नहीं है, ट्रांजिट इंश्योरेंस पे रेट ऑफ टैक्स क्या कंसर्न नहीं है, इंस्टॉलेशन चार्ज पे क्या रेट ऑफ टैक्स कंसर्न नहीं, पूरे कॉम्बो पे सर जो मशीन की रेट होगी वो लग जाएगी सर. हाँ ना, इसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई. जैसे आप किसी होटल में गए, होटल में स्टे किया आपने, और वहां पे एमएपी प्लान है, एमएपी प्लान मतलब इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर. अब आपने मान लो किसी होटल वाले को 5,500 रुपए दिया इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो ऐसे केस में क्या होगा सर, पूरे 5,500 को हम क्लासिफाई करेंगे होटल अकोमोडेशन सर्विस में, क्योंकि सर इट इज सप्लाइड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑन एन एवरेज साथ में सप्लाई होता है ये,
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, ये कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, क्या खाना खाने गए क्या, गोवा के किसी होटल में रुके तो खाना खाने गए क्या, नहीं, वहां स्टे वॉज मोर इंपॉर्टेंट, सो होटल में क्लासिफाई करेंगे सर, क्लियर। अच्छा, अगर कोई सप्लाई इज ए कंपोजिट सप्लाई तो कौन सा सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, कौन सा सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है, कौन सा सप्लाई मिक्स सप्लाई है, इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, केस टू केस। चलिए अब मैं मिक्स सप्लाई की कुछ बात करता हूं, अगर इफ मोर देन वन सप्लाईज आर कंबाइंड टुगेदर और वहां पे आपने प्राइस सिंगल चार्ज किया है और वो सप्लाईज आपने साथ में सप्लाई करी है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होती है, आपने कोमो बना के बेचा है, सिंगल प्राइस चार्ज किया, तो ऐसे केस में किसमें क्लासिफाई करेंगे, मिक्स सप्लाई के केस में बोला है। एक काम करो, सारी सप्लाईज जो जो आपने सप्लाई करी उस मिक्स सप्लाई में, उन सब पर रेट ऑफ टैक्स क्या वो देखिए आप, एंड पूरे कॉम्बो की जो प्राइस आपने सिंगल प्राइस चार्ज करी है उसमें हाईएस्ट लायबिलिटी जो गुड्स देगा या जो सर्विस हाईएस्ट लायबिलिटी देगी उसमें हम क्लासिफाई कर देंगे। मतलब यू विल हैव टू क्लासिफाई सच मिक्स सप्लाई अंडर द हेडिंग ऑफ दैट गुड्स और सर्विस विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, हम उसमें क्लासिफाई करेंगे। अब मैं मिक्स सप्लाई के कुछ एग्जाम्पल देता हूं, मान लो सर एक मस्त एग्जाम्पल दू क्या, मान लो कोई एक बंगलो है, मान लो कोई एक बंगलो है, दो फ्लोर का बंगलो है, फर्स्ट फ्लोर और अरे ग्राउंड फ्लोर है सर, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, ओके। अब आपने ये बंगलो मान लो किसी को रेंट पे दिया, पूरा बंगलो रेंट पे दिया, और जिसको रेंट पे दिया वो किस लिए दिया सर, वो नीचे तो अपनी शॉप लगाएंगे, दुकान लगाएंगे सर, नीचे वाला प्लेस वो यूज करे फॉर कमर्शियल पर्पज, एंड फर्स्ट फ्लोर दे आर यूजिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, ग्राउंड फ्लोर दे आर यूजिंग फॉर कमर्शियल पर्पज एंड फर्स्ट फ्लोर दे आर यूजिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, हाय ना। और सर आपने दोनों के लिए कॉम्बो रेंट चार्ज किया है 2 लाख रुपी, अरे यस या नो, नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, अरे यस या नो। अब ऐसे केस में क्वेश्चन ये आता है, जो रेंट आपने चार्ज किया 2 लाख रुपी उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले मैं आपको बता देता हूं, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस, पर अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस रेंट पे दिया तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर कमर्शियल पर्पज के लिए दिया तो टैक्स लगता है। अब आपने तो क्या किया है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज के लिए दिया है पर ग्राउंड फ्लोर तो कमर्शियल में काम आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर रेजिडेंस में काम आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर एग्जम्प्ट है पर ग्राउंड फ्लोर टैक्सेबल है, पर आपने क्या किया है, दोनों का कॉमन रेंट चार्ज किया है 2 लाख रुपी, यस या नो। तो इट्स अ मिक्स सप्लाई, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कभी देखा है नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, नहीं, तो ये क्या है, मिक्स सप्लाई है क्योंकि सिंगल रेंट चार्ज किया है, अलग अलग रेंट चार्ज करते तो मिक्स सप्लाई नहीं होता, रेजिडेंशियल पोर्शन पे टैक्स एग्जम्प्ट, कमर्शियल पोर्शन पे टैक्स लगता है केवल, पर ये सिंगल रेंट चार्ज के इसलिए ये मिक्स सप्लाई है, और मिक्स सप्लाई केस में दोनों में अगर क्लासिफाई करेंगे अलग अलग हेडिंग में क्लासिफाई करके देखना, हाईएस्ट लायबिलिटी कौन सा देगा, ऑब्वियसली कमर्शियल वाला ही देगा क्योंकि रेजिडेंशियल वाला एग्जम्प्ट है, कमर्शियल वाले पे टैक्स लग जाएगा, और पूरे 2 लाख पर सपोज 18% इज द टैक्स तो 18% टैक्स लग जाएगा सर पूरे 2 लाख पर। दिस इज हाउ मिक्स सप्लाईज आर क्लासिफाइड, क्लियर, डन। सरकार ये था कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं मिक्स सप्लाई का, फॉर एग्जाम्पल कोई चॉकलेट शॉप है या कोई मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप, वहां पे आप गए, क्या लिया वहां से, अरे भाई एक कॉम्बो पैक लिया आपने, उस कॉम्बो पैक में आप देखना दीपावली वगैरह के ओकेजन पे, फेस्टिवल ओकेजन पे कॉम्बो पैक बने होते, वहां पे पैक नहीं होए कॉम्बो पैक, जिसके अंदर कुछ मिठाई है, कुछ ड्राई फ्रूट है, कुछ चॉकलेट है, कुछ नमकीन है, कुछ वेफर है, ये पूरा कॉम्बो पैक 2000 रुपए का होता ना सर ऐसा। अब ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस में ऐसा साथ में सप्लाई नहीं होता, इट्स अ मिक्स सप्लाई। अब इसमें सारे गुड्स पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो आप देखेंगे। अब इसमें मान लो किसी एक गुड्स पे रेट है कितना 28%, बाकी सब पे 12, कुछ पे 5, तो सर जिस गुड्स पे 28% है उसमें क्लासिफाई करेंगे पूरे 2,000 रुपीज को, और पूरे पे 28% टैक्स लग जाएगा सर। क्लियर, डन। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ मिक्स सप्लाई। ओके, अब कुछ सर्कुलर से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सर जीटीए, सर जीटी के लिए सर्कुलर दिया है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये क्या करते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस तो देते ही देते हैं, साथ में मान लो इन्होंने लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग की सर्विसेज भी दी है, तो ऐसे केस में ये कंपोजिट सप्लाई है क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा साथ में होता है, पर ऐसे केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल सप्लाई, तो एंटायर जो कॉमो अमाउंट उन्होंने चार्ज किया उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्लासिफाई करेंगे, जीटीए सर्विस में क्लासिफाई करेंगे, और अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा सर। नेक्स्ट, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, सर पुराने टायर को रिफर्बिश करके रीट्रेडिंग करके नया टायर बनाया जाता है, तो ऐसे केस में गुड्स भी लगता है और सर्विसेज भी लगती है, पर इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। रबर लगाना इज
रबर लगाने की सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट, रबर इज नॉट सो एसेंशियल. तो सर्कुलर देके डिपार्टमेंट बोला कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई होगा. हाँ, आपने रिट्रेडेड टायर को बेचा है, तो रिट्रेड करने के बाद जब टायर को बेचा तो सेल ऑफ गुड्स है सर. देन बस बॉडी बिल्डिंग सर, इसमें क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा हाईवेज वगैरह पे कई सारी ट्रक वगैरह जो होती है उसमें केवल चेसिस लगा होता है, इंजन लगा होता है, टायर लगे होते हैं सर. ड्राइवर बैठ के केबिन केवल एक केबिन बना होता है ड्राइवर का, ड्राइवर बैठ के ड्राइव कर रहा होता है सर. पीछे बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं है बस की. ओए सर, ड्राइवर की तो है, कोई आत्मा चलाएगी क्या गाड़ी सर? तो पॉइंट ये है, अब ऐसे केस में मैं बस बॉडी बिल्डिंग का काम करता हूं. मैंने क्या किया, बस का पूरा बॉडी लगाया सर. अब इसमें लेबर भी लगा होगा और मटेरियल भी लगा होगा, पर गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोल दिया कि साहब ये बस बॉडी बिल्डिंग इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये कंपोजिट सप्लाई है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, एंड इस कंपोजिट सप्लाई को हम क्लासिफाई करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस में. देखो इंडस्ट्री स्पेसिफिक आंसर है, ध्यान रखिएगा. देन क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. सरकार प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कही यहां पे सर. अब आपने भी कई बार देखा होगा फोटोकॉपी की शॉप पे हम जाते हैं, फोटोकॉपी कराया सर किसी बुक का अपने, किसी पेज का, तो सर फोटोकॉपी वाले मशीन वाले क्या कर रहे हैं, वो आपको पेज भी दे रहे, इंक भी दे रहे और प्रिंट करके दे रहे बेटा, तो गुड्स भी दे रहे और सर्विसेज भी दे रहे, प्रिंटिंग इज देयर सर्विस, आया ना. तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, पर किस में क्लासिफाई करेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन दिस? तो सर उसके लिए डिपार्टमेंट ने कहा सर्कुलर के थ्रू कि अगर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स हुआ है, पैम्पलेट हुआ है, ब्रोशर हुआ है, एनुअल रिपोर्ट्स एंड द लाइक, जहां पर प्रिंटिंग सर्विस इज मोर एसेंशियल. तो जैसे मेरा बुक प्रिंट होता है सर, तो सर दिस इज अ प्रिंटिंग सर्विस, और प्रिंटिंग सर्विस में क्लासिफाई करते हुए अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करेंगे. पर अगर आप एट द सेम टाइम आप किसी दुकान पर जाएंगे प्रिंटेड एनवलप लेने के लिए, लेटर कार्ड्स के लिए, प्रिंटेड बॉक्सेस के लिए, टिश्यू, नेपकिन, वॉलपेपर एटसेट्रा, आप देखना बेटा डोमिनोज पिज्जा, कभी नहीं खाया तो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं खाया है सर. सर अब उसमें जो पेपर नेपकिन होते हैं सर, उस पर ब्रांड नेम लिखा होता है डोमिनोज का. बहुत सारे लोग तो पता है दिमाग ही लगा रहे सर, जब आपने पिज्जा नहीं खाया तो आपको क्या पता है? अरे भाई बहुत सारी चीजें जिंदगी में हमने नहीं करी होती, पर फिर नॉलेज तो होता है ना सर. सर आपने देखा होगा कई बार एनवलप्स, आप किसी एनवलप वाले के यहाँ जाएंगे तो 50 तरह के एनवलप दिखा देगा. अब मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको एनवलप प्रिंट कराना है, तो आप पहले एनवलप पसंद करेंगे, फिर उस पर लिखवाएंगे, प्रिंट करा था ना विद बेस्ट विशेज फ्रॉम मंगल फैमिली या जो भी आपको लिखवाना है. ऑफिस के एनवलप आपने देखे होंगे, तो वहां पर वो बोलता है 5 रुपए का एक एनवलप है, ₹5 का, पर प्रिंटिंग करके अगर चाहिए तो ₹5.10 का मिलेगा, होता ना ऐसा. तो इन केसेस में वॉल पेपर हो गया, लेटर कार्ड हो गया, प्रिंटेड बॉक्स हो गए, टिश्यू पेपर हो गए, नेपकिन, वॉल पेपर एटसेट्रा, तो यहां पर केवल ब्रांड नेम लोगो वगैरह लग रहा है. तो प्रिंटिंग इज नॉट एसेंशियल, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, पर यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर एसेंशियल, तो सप्लाई ऑफ गुड्स में हम इसको क्लासिफाई करेंगे. ओके, नेक्स्ट आता है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ बुक्स. भाई बुक्स प्रिंट हो गई है, प्रिंटेड बुक को बेच रहे हो आप केवल, दैट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई डाउट नहीं सर. देन क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग सप्लाई सर्विसिंग ऑफ कार्स इन्वॉल्विंग बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स. देखना बेटा आप कार जब भी सर्विसिंग में बेचते हो तो उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है, स्पेयर पार्ट वगैरह, और सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है, लेबर भी होता है, हाँ ना. अब देखो अगर बिल में दोनों का अमाउंट अलग अलग लिखा है, लेबर का अलग लिखा है, मटेरियल का अलग लिखा है, स्पेयर पार्ट का अलग लिखा है, तो रेस्पेक्टिव रेट ही लगेगा, क्लियर. पर अगर कॉम्बो प्राइस चार्ज किया उन्होंने, जैसे मान लो किसी कार का बिल्कुल खराब हो गया साहब, आपने मैकेनिक को दिया, मैकेनिक बोला ₹1 लाख लूंगा, पूरा नया करके दे दूंगा मैं आपको, हमने बोला डन. तो ऐसे केस में सर इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, ये कंपोजिट सप्लाई तो है पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. और सर्कुलर ने भी बोला कि इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, और उसके बाद डिफाइन करा जाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है. ओके सरकार, आइए नेक्स्ट आता है बेटिंग गैम्बलिंग. इसके रिगार्डिंग मैं आपकी बात ऑलरेडी कर चुका हूं, क्योंकि आपकी बड़े इंटरेस्ट की बात है ना सर. सर देन कॉस्ट पेट्रोलियम के लिए रिगार्डिंग, सर क्या होता है, ऑयल एक्सप्लोर जब करते हैं तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है, गवर्नमेंट सबको अलाउ नहीं करता है, इसलिए गवर्नमेंट को आपको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के लिमिटेड, गवर्नमेंट जिसको अलाउ करेगा वही इनको एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, गवर्नमेंट इनको कॉन्ट्रैक्ट देता है प्रॉपर. तो दे आर एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल एंड मिनरल, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्लियर, इनको बोलते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स. तो ऐसे केस में सर्कुलर आया, अब इनको क्या करना पड़ता है, ये ऑयल जो होता है वो सरेंडर करना पड़ता है गवर्नमेंट को, पर इनका खुद का कॉस्ट लगा हुआ है, इन्होंने रॉयल्टी पे करी है, प्रॉफिट शेयरिंग दिया होता है गवर्नमेंट को. तो ये लोग जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सर दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू गवर्नमेंट, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली. तो सर ऐसे केस में ये जब ऑयल सरेंडर करते हैं गवर्नमेंट को, इनको जो पैसा मिलता है सर, गवर्नमेंट ने बोला कि उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम. क्या बोलते सर, कॉस्ट पेट्रोलियम, एंड दैट इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय देम,
दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली टू रिकवर देयर ओन कॉस्ट, इसलिए ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, कोई जीएसटी लगेगा नहीं इस पर हाँ चलो वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मान लो किसी ज्वाइंट वेंचर ने, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ज्वाइंट वेंचर है। अब उसके कुछ मेंबर है जो काम कर रहे हैं, नाउ दोज मेंबर्स आर चार्जिंग फीस फ्रॉम दैट ज्वाइंट वेंचर। तो यार हमने ऑलरेडी बात कर ली ना, कोई सोसाइटी ज्वाइंट वेंचर क्लब को अगर कोई मेंबर सर्विस दे रहा है या मेंबर को कोई क्लब सर्विस दे रहा है तो वो तो आपस में सर्विस और सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर जीएसटी लगेगा। पर जो गवर्नमेंट को ये पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट जो इनको पैसा दे रही है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कॉस्ट पेट्रोलियम पे कोई जीएसटी नहीं लगता। क्लियर। लास्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। सर गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स आर नॉट सिक्योरिटीज, ये सिक्योरिटीज नहीं है, दे आर अकिन टू फ्रीली ट्रेडेबल स्क्रिप्ट्स। क्लियर। और ऐसे केस में उनको गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये जीएसटी के स्कोप में आते हैं, इनके सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। हाँ टैरिफ में अगर एग्जम्पशन दिया होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा, रेट ऑफ टैक्स कुछ दे रखी तो उस अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा सब। क्लियर। पर यस वो सप्लाई के स्कोप में आते हैं। इसी के साथ सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9 पूरा खत्म होता है अब, अलोंग विद ऑल द सर्कुलर्स रिलेवेंट प्रोविजंस सारे खत्म होते हैं अब। आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ में आया, ये हमने पूरे चैप्टर नंबर 2 में सारे प्रोविजंस कवर किए थे, शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई। सर व्हाट वी आर ट्राइंग इन दिस फास्ट ट्रैक बैच कि सर सारे टॉपिक हम कवर करें पर थोड़ा सा फास्ट मैनर में, सो दैट आपको टॉपिक भी कवर हो जाए और आपका टाइम भी कम लगे सर। ओके तो सरकार ये खत्म होता है क्या चैप्टर नंबर 2, जो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर था लेवी ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर सप्लाई भी हमने पढ़ लिया, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई भी पढ़ लिया हमने, और सेक्शन 9 तो हमने कवर किया ही किया है। ओके माहौल शेड्यूल 1 भी पढ़ लिया, 2 और 3 ये सारे पॉइंट कवर करिए, क्योंकि कवर कर लिया हमने क्योंकि सप्लाई का पार्ट है सर। ओके चलिए सर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। सर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 3, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सरकार बात आती है टाइम ऑफ सप्लाई की। सर सबसे पहली बात सर अगर हम गुड्स इंडस्ट्री की बात करें, जब जीएसटी आया तब क्या थॉट प्रोसेस था समझिएगा ध्यान। गुड्स के केस में एक्रूअल बेस पे टैक्स था कि सर जैसे आप इनवॉइस इश्यू करेंगे सप्लाई हो जाएगा और टैक्स की लायबिलिटी आएगी, भले वो वेट था, भले वो सीएसटी था, भले वो एक्साइज था, कोई डाउट नहीं सर। सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें, देखो मोटा मोटी टैक्स कौन सा मर्ज हुआ, एक्साइज सर्विस टैक्स वेट, गुड्स के टैक्स थे एक्साइज वेट, वहां अक्रूअल बेस पे टैक्स था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर सर्विसेज के केस में, सर्विसेज के केस में 1994 में जब सर्विस टैक्स पहली बार आया तो एक एक्सपेरिमेंट बेस पे टैक्स आया था साहब, तब केवल 3 सर्विसेज पे टैक्स लगाया था। यू वॉन्ट बिलीव सर 2011 आते आते देर वर 119 टैक्सेबल सर्विसेज, कितनी बेटा 119, 119 सर्विसेज हो गई थी जिन पे टैक्स लगने लग गया था, लगभग सारी सर्विस पे टैक्स लगा दिया, केवल कुछ सर्विसेज पे टैक्स नहीं था। और 2012 में तो इन्होंने कमाल कर दिया और बोल दिया क्या हम सारी सर्विस पे टैक्स लगाएंगे एक्सेप्ट कुछ सर्विसेज, जिसको कंटिन्यू किया जीएसटी में कि ऑल सर्विसेज आर सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई के स्कोप में आता ना ऑल गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ है ना बच्चों। तो सर अब जब 94 में इन्होंने पहली बार जब सर्विस टैक्स लगाया तब सिंस ये एक्सपेरिमेंट बेस पे था लोगों को ये टैक्स एक्सेप्ट करवाना था इनको, तो सर इन्होंने क्या किया, सर एक्सेप्ट करवाने के लिए बोला कि अरे तुमको टेंशन क्या है, कस्टमर से टैक्स लेके फिर गवर्नमेंट को पे करना है, कौन सा तुम्हें अपनी जेब से पे करना है, और कस्टमर जब फीस देगा तब तुम टैक्स पे करना, बस पहले मत पे करना। मतलब जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया, सुनिएगा भाइयों ध्यान से, बड़ा अच्छा पॉइंट है, जब सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया तब प्योरली सर्विस टैक्स वाज ऑन रिसीट बेसिस, कि जितना फीस क्लाइंट से आएगा उसको इंक्लूसिव जीएसटी मानते हुए उसमें से जीएसटी का पोर्शन गवर्नमेंट को पे कर देना, क्लाइंट के ऐसे कोई पैसा नहीं है कोई टैक्स पे मत करना, क्लाइंट से एडवांस आ गया तो एडवांस में टैक्स पे कर देना, क्लाइंट से लेट पैसा है लेट पे करना, बैड डेट हो गया कोई टैक्स पे मत करना, आधा है तो आधा ही पे करना, पूरा है तो पूरा टैक्स पे करना, बोलो जितना पैसा आएगा क्लाइंट से डिवाइड बाय सर मान लो 18% टैक्स है तो डिवाइड बाय 118 इनटू 100 करके इनटू 18 करके जो टैक्स का अमाउंट आएगा वो पे कर देना, दैट्स इट। मतलब ऐसा सिस्टम था पहले जब नया नया सर्विस टैक्स आया, प्योरली ऑन रिसीट बेसिस, प्योरली ऑन रिसीट बेसिस, पैसा आए तो टैक्स पे करना, पैसा नहीं आए तो टैक्स पे मत करना। पर जैसे ही सर्विस टैक्स एक सेटल्ड वे में पहुंच गया सर, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, सारी सर्विसेज इसमें कवर हो गई, अब सरकार ने बोला लोग तो एक्सेप्ट कर रहे टैक्स को, अब सर आ जाओ अपनी वाली पे, एंड सर गवर्नमेंट का सपना कब से ही था कि हम जीएसटी लाएंगे,
बहुत पुराने टाइम से सपना था कि जीएसटी आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब आएंगे तो सर कैसे आएंगे, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के टैक्स को मर्ज करना है। अब सर गुड्स के टैक्सेस थे एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज के टैक्स थे रिसीट बेस पर। सर्विस टैक्स था रिसीट बेस पर और सर गुड्स के टैक्सेस जो वेट और एक्साइज था वो था एक्रूअल बेस पे। अब सर टैक्स मर्ज करना कैसे करेंगे सर, हाँ ना? तो ये तकलीफ आ गई सरकार के सामने कि सिस्टम को मर्ज करना ही पड़ेगा सर। अब यू वॉन्ट बिलीव सर, कांग्रेस सरकार ने भी कोई कोशिश कम नहीं करी थी जीएसटी लाने की, बस इन्होंने मेहनत नहीं करी, कोशिश पूरी करी कि जीएसटी ले आओ, सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट कर दो और जीएसटी ले आओ। दिसंबर 2010 पार्लियामेंट की बात करना हमसे, दिसंबर 2010 जब पार्लियामेंट का सेशन था तब सर लगभग लगभग ये फाइनल था कि जीएसटी आएगा। मैडम ने ऑर्डर दे दी थे, मैडम ने ऑर्डर दे दी कि जीएसटी आएगा भली तैयारी हो या ना हो। और सर राहुल बाबा जीएसटी मतलब समझ रहे थे गुड नाइट्स विद ड्रीम, टेक केयर। और सर इनकी टीम ने क्या किया, सिंगापुर वगैरह से कुछ जगह से कॉपी करके पेस्ट, ये लो साहब जीएसटी एक्ट। आईसीआई दिल्ली हेडक्वार्टर में सर गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि आप अपना डेलीगेशन भेजिए पार्लियामेंट के अंदर टू रिप्रेजेंट ऑन द जीएसटी, अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि जीएसटी एक्ट जो बनाया सही है कि नहीं है, कि क्या है क्या नहीं, आपके व्यूज क्या है। और इनफॉर्मली इंडिकेट कर दिया कि तुम कुछ भी रिप्रेजेंट कर देना, जीएसटी तो आएगा। ये हालत थी साहब सरकार की। आईसीआई इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लेके सर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया, उन्होंने बोला हाँ जीएसटी लाइए, हम उसके अगेंस्ट नहीं, हम भी चाहते जीएसटी आए, देश में टैक्स रिफॉर्म कौन नहीं चाहता है, हम चाहते पर सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट। अरे भाई एक्साइज सर्विस टैक्स तो एक था, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, दोनों का सेंट एक दूसरे के मिलता था, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश में एक ही कानून है। पर वेट लो, हर स्टेट वाइज अलग अलग एक्ट है, हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से एक्ट को बनाया हुआ है, हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से प्रोविजन बनाया हुआ है। यहां स्टेट चेंज करो, लोगों का खाना चेंज हो जाता है हमारे देश के अंदर, यहां स्टेट चेंज करो, लोगों के कपड़े चेंज हो जाएंगे, भगवान चेंज हो जाएंगे सर, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी सर, हर स्टेट ने अपने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सर अपने अपने वेट लो बनाए हुए है। एंड यू वॉन्ट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया। मुंबई का नरीमन पॉइंट एंड कोलकाता का झवेरी बाजार, दोनों मेट्रो सिटी के पीक पॉइंट, दोनों की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं है। हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया, विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स, डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट। जिन कंट्री से आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो उनसे बड़े तो हमारे स्टेट से यहां पे। एंड सर पूरा पार्लियामेंट, भले वो मेंबर ऑफ बीजेपी हो, मेंबर ऑफ कांग्रेस हो, एवरीबॉडी वाज विद आईसीआई। एंड सर वही पार्लियामेंट का सेशन एंड हो गया और बोल दिया ना हो पाएगा। एंड वहां डिसीजन हुआ कि गवर्नमेंट से सर जीएसटी तो ना ला पा रहे, पर हां हिम्मत ना हारा सरकार और सर गवर्नमेंट बोला ठीक है आज नहीं तो कल ऐसा एक आदमी आएगा जो जीएसटी लेके आएगा, पर सर कुछ स्टेप तो आगे बढ़ाए। एंड गवर्नमेंट ने सोचा आज नहीं तो कल जीएसटी तो आएगा, पर कम से कम सिस्टम को धीरे धीरे मर्ज करना तो चालू करे। एंड वहां से गवर्नमेंट ने सोचा कि सिंस गुड्स पे टैक्स है कैसे अक्रूअल बेस पे, सर्विसेज पे टैक्स है रिसीट बेस पे, अरे सिस्टम तो मर्ज करे कम से कम। तो इन्होंने क्या किया, सर्विसेज को भी एक काम करते अक्रूअल बेस पे ले आते हैं टू बी कन्वर्सेंट विद द जीएसटी। उन्होंने सोचा सर्विसेज को भी क्या कर लेते अक्रूअल बेस पे ले आते हैं, पर गवर्नमेंट सरकार सर दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। एंड इन्होंने सर जीएसटी के नाम पे क्या किया, सर्विसेज को भी अक्रूअल बेस पे कर दिया पर रिसीट बेसिस को भी नहीं छोड़ा और बोल दिया क्या, विच एवर इज अर्लियर अक्रूअल और रिसीट, विच एवर इज अर्लियर। और वहां पे इन्होंने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए 2011 में सर। दिसंबर 2010 पार्लियामेंट के सेशन में डिसाइड हुआ कि जीएसटी ना हो पाएगा, तो अगले ही सेशन में सर फरवरी 2011 में नोटिफिकेशन लिया है जो अप्लाई किया इन्होंने 1 अप्रैल 2011 से, जिसको कंपलसरी एप्लीकेबल किया 1 जुलाई 2011 से और एप्लीकेबल कर दिया हिंदुस्तान में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स 2011। एंड सर वहां से पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आए थे जहां पे सर्विस टैक्स में लिखा था क्या, एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। एक्रूअल मतलब सर्विसेज एक्रू कब होगी, जब आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। और उसी को कंटिन्यू किया जीएसटी के अंदर। समझे, पहले स्टोरी समझिए सर, सेक्शन बनाएंगे हम बैठ के आप और मैं मिलके,
गारंटी है, सेक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं सर, आप थोड़ा बैकग्राउंड समझिए बस। सर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, मुझे पता है फास्ट ट्रैक बेच है, पर सर चीजें थोड़ी समझ ली तो मजा आ जाएगा सर आपका। सरकार वहां से पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स बने और सर्विस टैक्स को इन्होंने क्या कर दिया, एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अब सर 2017 में जब सपना पूरा हो रहा था कि सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ रहा है, अब सर गवर्नमेंट ने देखा सिस्टम क्या है, सिंस टैक्स तो एक हो जाएगा जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब गुड्स पे टैक्स है एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज पे टैक्स है अक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अब गवर्नमेंट ने बोला अब सपना तो पूरा करना ही है, जीएसटी लाना ही है, सिस्टम तो एक करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, गुड्स को भी लिया है सर्विसेज के सिस्टम पे और बोल दिया क्या सर गुड्स के केस में भी क्या होगा, अक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और इन्होंने लिख डाला टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 12 हो या 13 हो, दोनों में लिख दिया था क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, भले हो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। और जैसे ही जीएसटी लाया है सर, सर्विस सेक्टर वालों को तो आदत पड़ गई थी इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे टैक्स पे करने की, पर गुड सेक्टर वालों को सर टेंशन हो गई कि अब एडवांस पेमेंट आएगा उस पर भी सर जीएसटी पे करना है। पहले तो जीएसटी लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर रेजिस्टेंट टू चेंज, पहले तो जीएसटी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं नहीं हमको चेंज नहीं करना, और सर गुड सेक्टर वालों को बोल दो एडवांस पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं करना सर, धंधा ही नहीं करना, बंद लो सर। तो सर बाद में गवर्नमेंट ने इसको अक्टूबर महीने में गुड्स के केस में बोल दिया, ठीक है गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ है ना बच्चों, तो सर यहां से कहानी इस तरह से बनी सर, आई होप आपको पूरी पिक्चर समझ में आए। इसलिए सर आपने पढ़ा है सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए, वहां लिखा सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो, सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड उस पे उसको सप्लाई कहते हैं। क्योंकि सर वहां पे आपने एडवांस पेमेंट भी कर दिया तो एग्री कर लिया आपने सप्लाई करने का, तो उस पे जीएसटी लग जाएगा। वहां से गवर्नमेंट की थीम से वहां पे सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड लिखा गया है ना, और उसी को कंटिन्यू किया टाइम और सप्लाई के अंदर। आई होप पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आया, माहौल बन गया सर आपके एंड पर। सर चलिए अब शुरू करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 12 है गुड्स का, सेक्शन नंबर 13 है सर्विसेज का, और 14 के बारे में बात बाद में करेंगे। पहले सेक्शन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 ने तो केवल ये बोला है कि सर लायबिलिटी ऑफ पेइंग द टैक्स आएगी जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा वो इन फॉलोइंग सब सेक्शन के थ्रू आपको डिफाइन करेगा। क्लियर, तो सब सेक्शन 1 ने तो केवल इंट्रोड्यूस किया सर, लिंक किया कि टाइम ऑफ सप्लाई से लायबिलिटी आती है। ओके अब सब सेक्शन 2 सुनिएगा बात को ध्यान से, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान पूरा इधर, मेन सेक्शन ही है। गुड्स के केस में बोल दिया कि टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्या बोल दिया मालिक, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके मतलब एडवांस पेमेंट आ गया तो भी टाइम सप्लाई हो गया, पर एक नोटिफिकेशन देके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सर हम एडवांस पर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे गुड्स के केस में सर। तो आपको अगर कभी भी गुड्स के रेस्पेक्ट में एडवांस रिसीव हुआ तो आपको टैक्स अभी पे करने की जरूरत नहीं, जब आप सप्लाई करेंगे जब इनवॉइस इश्यू करेंगे तभी टैक्स पे करने की जरूरत है, अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ओके बात सुनिएगा वापस से, गुड्स के केस में क्या लिखा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। चलो ठीक है एडवांस पेमेंट नहीं आया और आ भी गया तो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आ रहा है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब इनवॉइस इश्यू करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा ना, एक काम करने का इनवॉइस इश्यू करने का ही नहीं है ना, इसलिए सरकार भी कौन है, हिंदुस्तानी सरकार है, हम इंडियन तो गवर्नमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट है सर, कम नहीं है, उनको पता है देश के लोग कौन कौन है, क्योंकि वो भी तो हम में से चुन चुन के पहुंचे हैं सर। सर उन्होंने लिख दिया क्लियरली कि सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, पर अगर आपने एज पर सेक्शन नंबर 31 जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन नंबर 31 वो टाइम या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर सरकार, बात समझ में आ गई आपको मेरी है, तो सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं किया तो वो टाइम जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन नंबर 31 सर वो टाइम या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, पर एडवांस रिसीव होने पर गुड्स के केस में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती।
तो अल्टीमेटली क्या 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 बेटा, गुड्स के केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या द टाइम लिमिट विद इन विच इनवॉइस शुड बी इश्यूड। उस टाइम में अगर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो वो टाइम जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वही टाइम हो सप्लाई होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा इनवॉइस कब इश्यू हो जाना चाहिए था सर, तो ऐसे केस में सेक्शन 31 ने लिखा है इन केस ऑफ गुड्स जहां पे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वेयर द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवर्स इश्यू हो जाना चाहिए। और हाँ सेकंड, जहां पर ट्रांजेक्शन डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मान लो मेरी मशीन है जो एक्स वाई जेड जगह पर इंस्टॉल्ड है और सर मैंने आपको कहा आपको खरीदनी है, आपने बोला हाँ खरीदनी है और वो मशीन आपकी मूवमेंट नहीं हो, वो इंस्टॉल करी हुई मशीन आपने खरीद ली सर उसी जगह पर सर, तो ऐसे केस में सिंस मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो सर ऐसे केस में जब मैंने गुड्स अवेलेबल करवाया कस्टमर को, व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, तब मानेंगे उसका इफेक्टिव डिलीवरी हो गया कस्टमर को और उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। ध्यान रखना बेटा सर्विसेज में 30 दिन का वक्त मिलता है इनवॉइस इश्यू करने का, गुड्स में नहीं मिलता है। क्लियर? तो सर अब सेकंड बात आती है इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए सर, तो ऐसे केस में लिखा हुआ सर इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स सर इनवॉइस कब इश्यू होगा, तो सर कस्टमर और सप्लायर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं आपस में कि सर पीरियडिकली आप या तो मुझे पेमेंट करेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में कर रहा हूं आप कस्टमर है, या तो आप मुझे पीरियडिकली पेमेंट करेंगे अमाउंट का या फिर पीरियडिकली मैं आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करूंगा। क्लियर? तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया जिस दिन आप वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहे हो या जिस दिन रेसिपिएंट आपको पेमेंट कर रहा है उस दिन आपको उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। यस या नो? हाँ है ना? तो सर उस दिन या उससे पहले आपको उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा जितना अमाउंट या तो फिर कस्टमर आपको पे करा पीरियडिकली या पीरियडिकली उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करो तो साथ में आपको इनवॉइस भी देना पड़ेगा सर। तो वो हो गया क्या डेट जब आपका इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था उतने अमाउंट का, आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम पे इश्यू नहीं किया तो जब वो इनवॉइस इश्यू करना चाहिए था वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर। क्लियर? चलिए एक लास्ट बात, अगर आपने गुड्स अप्रूवल बेस पे भेजा है सर, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स भेज देंगे आप, उस टाइम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता है, उस टाइम इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती। पर अब इनवॉइस कब इश्यू करना होगा, या तो कस्टमर अप्रूवल दे दे मतलब सप्लाई हो गया, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल या फिर सप्लाई हो गया, सप्लाई टेक्स प्लेस विच एवर इज अर्लियर, हाँ है ना, उस दिन आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर? एंड अगर आपने टाइमली बिल इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, टाइमली बिल इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? ये पूरा सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 खत्म होता है। अब आई होप बात आपको समझ में आ गई, कुल मिला के डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 बोलता है सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, वेयर एवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, पर रेसिपिएंट अगर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए तो सर रेसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिपिएंट, तो यहां बोल दिया क्या सर, सुनना बच्चों ध्यान से, यहां पे अभी भी डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, यहां 3 इवेंट लिखे, या तो उसको गुड्स रिसीव हो गए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, या फिर जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया है, सप्लायर लायबल नहीं भाई रेसिपिएंट लायबल है, तो रेसिपिएंट ने जब पेमेंट किया अच्छा उसने पेमेंट कब किया कब मानेंगे, या तो उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी कि भाई पेमेंट मैंने कर दिया, या फिर डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, इधर डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट और एंट्री इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस दिन मान लेंगे पेमेंट उसने कर दिया वो दिन, या उसको गुड्स रिसीव हो गए वो दिन, या फिर 31st day फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच डे 31st day फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लिएस्ट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिपिएंट इफ ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ध्यान रखना यहां पे अगर उसने एडवांस पेमेंट किया है तो भी उस अमाउंट पर जितना एडवांस उसने पे किया उतने अमाउंट पर उसकी लायबिलिटी आ जाएगी। यहां पर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 में गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, वो तो केवल सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 में ही मना किया केवल। ओके सरकार, और हां ध्यान रखिएगा अगर इन तीनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो खर्चा बुक किया होगा, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा फॉर रेसिपिएंट। क्लियर? ये गुड्स के बारे में बात करी मैंने सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। ओके अब सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 4 ये बोलता है अगर आपने वाउचर या कूपन के थ्रू गुड्स सप्लाई किए
जब हम वाउचर देते ना बेटा कस्टमर को कि नेक्स्ट टाइम परचेज करने होगे तो इतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा या ये वाली गुड्स फ्री मिल जाएगी, इस तरह का, तो वाउचर या कूपन अगर आपने दिया है तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जब आप वाउचर दे रहे हो तब मान लो ज्वेलरी का वाउचर था, आपका ज्वेलरी का शोरूम है, आपने ज्वेलरी का वाउचर दिया, तो सर उसके अगेंस्ट ज्वेलरी ही सप्लाई हो सकती है, इट मींस सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इटसेल्फ। तो ऐसे केस में जब आप वाउचर इश्यू कर रहे हो, जिस दिन आप वाउचर इश्यू कर रहे हो वो ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, उसी दिन लायबिलिटी आ जाएगी, भले ही बाद में आप वाउचर रिडीम कराओ या ना कराओ, उसे कोई कंसर्न नहीं है, लायबिलिटी आ गई टैक्स की साहब। बट एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, जैसे बिग बाजार का वाउचर है सर, वहां 100 तरह की गुड्स है, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे 500 रुपए का वाउचर है सर, कुछ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी गुड्स खरीदने पर, तो सर ऐसे केस में सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो जब आप उस वाउचर को रिडीम कराएंगे तभी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। क्लियर, समझे मेरी बात? डन। ये था सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 5 बोलता है रेसिडुअल केसेस, मतलब अगर आपका जो आपने सप्लाई किया उसका टाइम ऑफ सप्लाई अजिटन नहीं हो पा रहा है यूजिंग सब सेक्शन 2, 3 और 4। क्लियर, मतलब आपने फ्रॉड वगैरह किया है, आपने रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या इस तरह का कोई गड़बड़ है, तो ऐसे केस में रेसिडुअल प्रोविजन कहता है कि सर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा, तो उसमें दो पॉइंट है। फर्स्ट बोलता है अगर पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द सप्लायर, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, भले रिटर्न आपने फाइल किया नहीं किया बात अलग है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर इन एनी अदर केस, मतलब फ्रॉडलेंट केस है, आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रखा मान लो, तो रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट तो आप आती ही नहीं है। तो सर जिस दिन आप टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेंगे, जिस दिन आप टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेंगे सर, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई, जब गवर्नमेंट आपसे रिकवरी करी वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ये था सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 5 रेसिडुअल प्रोविजन। अब लास्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 6। सर अगर मान लो आपने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस डिलेट पेमेंट चार्जेस ले लिए, लेट पेमेंट फीस ले ली, इंटरेस्ट चार्ज के लिया या कोई और अमाउंट, कोई और कंसिडरेशन ले लिया, तो दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने बात करी भी इसके रिगार्डिंग, ये इस पर सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर डी, ये वैल्यू का पार्ट बनेगा। अब सर वो ओवर एंड अबव द प्राइस जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, जब आप गुड सप्लाई कर रहे हो तब तो नहीं पता था ना कि कस्टमर लेट पेमेंट करेगा हम इससे इंटरेस्ट लेंगे, तो सर ऐसे केस में उस अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? तो सर लेट पेमेंट चार्जेस, डिलेट पेमेंट फीस, पेनल्टी या पेमेंट लेट करने की वजह से आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगा जिस दिन वो अमाउंट रिसीव होता है। मतलब मान लो डिलेट पेमेंट चार्जेस रिसीव ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट रिसीव ही नहीं हुआ, कस्टमर ने बोला पैसा लेना तो ले ले प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट तो भूल ही जा। क्लियर, तो ऐसे केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आएगा उस इंटरेस्ट पोर्शन पे बेटा। अच्छा, जो आपने गुड सप्लाई करी थी ओरिजिनल इनवॉइस के लिए वो तो जब आपने इनवॉइस इश्यू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। क्लियर, पर इंटरेस्ट के लिए जिस दिन वो पैसा आएगा, इंटरेस्ट या और या आपने ओवरटाइम चार्जेस ले लिए उससे, ओवरटाइम चार्ज मतलब पेमेंट उसने लेट किया उसके लिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट या लेट पेमेंट फी या पेनल्टी या इंटरेस्ट चार्ज के लिए, तो उस पर टैक्स लगेगा जिस दिन वो पैसा आएगा, जितना आया उस पर टैक्स लगा देना सर, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर, डन। ये सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 6 खत्म होता है। अब ये सेक्शन नंबर 12 पूरा खत्म हो गया रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। तो सर सेक्शन नंबर 12 आई होप पूरा समझ में आपको। आइए सर सेक्शन नंबर 13 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 13 इज फॉर सर्विसेज, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, मजा आएगा सर आपको। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 बोलता है कि लायबिलिटी टू पे टैक्स विल अराइज जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा वो सेक्शन नंबर 12 सेक्शन नंबर 13 के फॉलोइंग सब सेक्शन डिफाइन करेंगे। तो सर इंट्रोड्यूस किया है, लिंक किया है एक्ट से सेक्शन नंबर 13 को सर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 ने। आइए सब सेक्शन 2 से मेन बात शुरू हो रही है। सर सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? सर एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर गुड्स के केस में ठीक है, एडवांस पे टैक्स पे करने के लिए सरकार ने बोल दिया नहीं पे करना है, पर सर्विसेज में तो लोगों की आदत कब से ही पड़ गई थी सर, 2011 से ही इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर चल रहा था, तो वही कंटिन्यू किया गवर्नमेंट ने जीएसटी में भी। कोई नया पॉइंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, पर मैं आपको पढ़ाता हूं क्या लिखा है सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 ने लिखा है, जो मेन प्रोविजन है, लिख दिया क्या, टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, एडवांस अगर आया तो जितना एडवांस आया है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, पर मान लो एडवांस नहीं है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मान लो कस्टमर पेमेंट बहुत बाद में देने वाला है तो सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब लोग इतने होशियार, मतलब कस्टमर का पैसा नहीं आया तो जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जेब से टैक्स पे करो। हाँ, तो सर लोगों ने सोचा एक काम करने का, इनवॉइस इश्यू करने का ही नहीं,
इनवॉइस इश्यू किया ही नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई आया ही नहीं, जब पैसा आएगा तभी इनवॉइस इश्यू करेंगे, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, मजा आ गया सर। तो गवर्नमेंट बोला भाई तुम हिंदुस्तानी, हम भी तो हिंदुस्तानी, हम तो आप में से चुन चुन के पहुंचे, और ऐसे ऐसे लोग हैं हम, आप समझ नहीं सकते सर सर। और गवर्नमेंट ने बोल दिया ना हो पाएगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सर एज पर सेक्शन 31 जो टाइम लिमिटेड टू इश्यू द इनवॉइस, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, पर अगर आपने उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जब सर्विसेज प्रोवाइड करी, जब सर्विसेज कंप्लीट हुई, वो डेट या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान दीजिएगा बेटा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन था, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस। सर इन केस ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर 31 ने लिखा है कि सर जिस दिन सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी, मतलब जब सर्विसेज आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर। सर सर्विस सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और प्रोविजन ऑफ सर्विस, 30 दिन, क्लियर। पर इफ यू आर एन इंश्योरेंस कंपनी और अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तो आपके केस में 45 डेज का टाइम दिया है, कितना 45 डेज का टाइम दिया टू इश्यू द इनवॉइस फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस, आप 45 डेज के अंदर इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, पर अदर केस में 30 दिन का वक्त है। तो सर ध्यान रखना, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी या इंश्योरेंस का पॉइंट है तो 45 डेज ध्यान रखना, नहीं तो 30 दिन। अब सुनना बेटा, हम नॉर्मली 30 दिन लेके चलते हैं, 30 डेज। अगर जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई है, दिल थाम के सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो आपकी सर्विसेज कंप्लीट हुई कब, 14th ऑफ फरवरी को, उसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इश्यू करना है, इनवॉइस अगर इश्यू कर दिया, मान लो इनवॉइस इश्यू किया आपने कब, 10 मार्च को, तो 10th ऑफ मार्च और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने 30 दिन में बिल इश्यू नहीं किया, मान लो आपने इनवॉइस कब इश्यू किया, 30th मार्च को इश्यू किया भाई, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस मतलब 14th फेब, और रिसीट ऑफ पेमेंट मान लो पेमेंट आया अप्रैल महीने में, तो सर 14th फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई, रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आने वाली डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से, समझे। अगर 30 दिन में आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आने वाली है। अब आपको 14th फरवरी की लायबिलिटी अगर आ गई, टाइम ऑफ सप्लाई 14th फरवरी आ गया, मतलब 14th फरवरी मतलब फरवरी मंथ के साथ आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो सर डेफिनेटली आप लेट हो गए होंगे, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला आपके लिए, क्लियर। तो सर इन केस ऑफ सर्विसेज, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, ओके। तो सर ध्यान रखिएगा, अगर आपने इनवॉइस 30 डेज में इश्यू नहीं किया, देखो बेटा ये तकलीफ गुड्स के केस में नहीं आने वाली, ये तकलीफ सर्विसेज के केस में आएगी सर, अगर आपने, क्योंकि गुड्स के केस में क्या सेम डे बिल इश्यू करना पड़ता है, जैसे गुड्स रिमूव किया इनवॉइस इश्यू होना चाहिए, सर्विसेज में 30 दिन का वक्त मिलता है, यहां प्लानिंग भी कर सकते हो, और अगर आपने 30 डेज में बिल इश्यू नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस, तो सर रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आएगी, सर जिस दिन कंप्लीट हुआ वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। और सोचिए आप, अगर इस केस में 14 फरवरी इज द लायबिलिटी, 14 फरवरी इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो फरवरी महीने की लायबिलिटी के साथ में आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, जो ऑब्वियसली आप भूल गए होंगे, क्योंकि मार्च में तो आप लेट हुए सर इनवॉइस इश्यू करने में, तो सर आपको विद इंटरेस्ट ही टैक्स पे करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अच्छा एक बात और, पता है आप टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते सर? सर मान लो कोई कस्टमर है, सर्विसेज के केस में आप प्लानिंग कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हम एडवाइस देते हैं कई सारे कस्टमर्स को, कैसे आप कर सकते हो सर? मान लो कोई सर्विस सप्लायर है जिसने फरवरी में सर्विसेज दी, एग्जांपल के लिए, अब सर फरवरी में उन्होंने सर्विसेज दी, नॉर्मली क्या होता है मंथ एंड पे लोग बिल इश्यू कर देते हैं, अब मंथ एंड पे 28 फरवरी का अगर वो बिल इश्यू कर रहे हैं, तो उनका टाइम ऑफ सप्लाई भी सर 28 फरवरी को आ रहा है, 28 फरवरी को अगर टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है, इट मीन्स फरवरी महीने की लायबिलिटी उनकी अराइज हो रही है। तो आप उनको एडवाइस कर सकते हो कि सर आप बिलिंग साइकिल 2 दिन लेट कर दीजिए, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में आप बिल इश्यू कर दीजिए। अगर आपने मान लो 28 फरवरी की जगह पर 1 मार्च को बिल इश्यू कर दिया, जो सर्विसेज आपने फरवरी मंथ में दी उसके लिए, तो सर ऐसे केस में अगर वो विद इन 30 डेज है, तो सर मजा आ गया ना सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट, अगर आपको पता है क्लाइंट बाद में ही पेमेंट करने वाला है, तो सर पेमेंट तो बाद में आएगा, पर टाइम ऑफ सप्लाई मार्च महीने में आने से क्या हो गया, 1 महीने का वर्किंग कैपिटल आपका बच गया, क्लियर। तो सरकार आई रिपीट, इन केस ऑफ सर्विसेज आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेके। तो सर इन केस ऑफ सर्विसेज
डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. पर अगर विद इन 30 डेज आपने बिल इश्यू नहीं किया और बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में 45 डेज के अंदर आपने बिल इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. हाँ, एडवांस पेमेंट अगर कभी आया तो जितना एडवांस आया उस पर टाइम ऑफ सप्लाई उतने अमाउंट पे आ जाएगा पहले ही जब एडवांस आया. रिमेनिंग के लिए जब इनवॉइस इश्यू करोगे वो या रिमेनिंग पेमेंट जब आएगा तब विच एवर इज अर्लियर. क्लियर, डन. और हाँ, अगर एडवांस पेमेंट का अमाउंट इज अप टू रुपीज 1000, कितना बेटा अप टू रुपीज 1000 इज द एडवांस अमाउंट, तो ऐसे केस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे केस में सप्लायर की चॉइस है कि वो चाहे तो अभी जब एडवांस अमाउंट आया तब वो टैक्स पे करे या जब वो उसका इनवॉइस इश्यू करेगा तभी टाइम ऑफ सप्लाई लाके टैक्स पे करे, ये उसकी चॉइस है अगर एडवांस अमाउंट इज अप टू रुपीज 1000. क्लियर, समझे मेरी बात. और हाँ, एक बात ध्यान रखना बेटा, सर्विसेज में एक प्रोविजो और दिया सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 में कि सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या रिसीट ऑफ पेमेंट ये अजटेनेबल नहीं हुए. तो ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो खर्चा बुक किया, जिस दिन रेसिपिएंट ने वो ट्रांजेक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया, वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लायर. मान लो सप्लायर बिल्कुल चोर, सर उसने कुछ भी मेंटेन नहीं किया, ये अजटेनेबल नहीं है कि कब इनवॉइस इश्यू किया, कब सर्विस कंप्लीट हुई, कब पेमेंट आया. तो ऐसे केस में रेसिपी ने जब अपनी बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई. ये था सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 2. एक बात और, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कब माना जाएगा, जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गया वो दिन, या डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. क्लियर माहौल. तो सरकार ये था सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2, बहुत इंपॉर्टेंट. अब सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होता है, क्या होता है मालिक, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, इनवॉइस कब इश्यू करना होता है वो भी बात कर लेते हैं हम. पहली बात तो किसी भी सर्विस को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का बोलते हैं, एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 30 डेज, सॉरी एक्सीडिंग 3 मंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर. अब अगर कोई सर्विस मोर देन 3 मंथ के लिए आप कंटिन्यूसली प्रोवाइड करो, जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस हो गया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गया, टेलीकॉम सर्विस हो गया, इंटरनेट सर्विसेज हो गया, सर तो ऐसे केस में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है तो ऐसे केस में इनवॉइस कब इश्यू करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, उस पर डिपेंडेंट करेगा क्या आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा. सर तो यहां पर सेक्शन नंबर 31 ने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस 3 इवेंट बताए. फर्स्ट, अगर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई पर्टिकुलर इवेंट होने पर रेसिपिएंट पर लायबिलिटी आती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू दी सप्लायर, तो जितने अमाउंट की लायबिलिटी रेसिपिएंट पे आती है वो इवेंट होने पर, जैसे परसेंटेज कंप्लीशन इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, तो जितने अमाउंट की लायबिलिटी आएगी वो इवेंट होने पर उस दिन मान लेंगे उतने अमाउंट की सर्विस कंप्लीट हो गई है. यहां ध्यान रखना 30 दिन का वक्त नहीं मिलता कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस में, तो ऐसे केस में उस दिन जिस दिन आपकी सर्विसेज क्या हुई है भाई, कंप्लीट हुई है, वो इवेंट कंप्लीट हुआ जब आपका अमाउंट ड्यू हो गया फॉर मेकिंग पेमेंट टू दी सप्लायर, है ना बेटा, वो दिन उतने अमाउंट का मान लेंगे कि सर्विसेज क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है उस दिन, या उससे पहले आपको उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. सेकंड, अगर कोई इवेंट पर आपका पेमेंट फिक्स नहीं है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है सर कि हर महीने अगले महीने की 5 तारीख को पेमेंट करना है, या ऐसा कोई ड्यू डेट फिक्स है, तो जिस दिन वो ड्यू डेट आएगा उस दिन या उससे पहले सर आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. थर्ड, अगर मान लो ना कोई ड्यू डेट फिक्स है पेमेंट की, नहीं कोई ऐसा इवेंट फिक्स है जिसके होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, ऐसा कोई फिक्स नहीं, तो जब जब भी रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब तब उतने उतने अमाउंट का उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए. क्लियर. तो सर यहां पर ध्यान रखना 30 दिन का वक्त नहीं है. अब इनवॉइस आपने टाइम पे इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्ली, नहीं तो जिस दिन वो इवेंट हुआ है कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्ली इज द टाइम ऑफ सप्लाई. क्लियर. ये हो गया कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए. क्लियर. ओके, ये हमने सेक्शन नंबर 31 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस, वो भी बात कर ली हमने. आइए अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 क्या कहता है. जब भी रेसिपिएंट की लायबिलिटी थी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए. रेसिपिएंट पे लायबिलिटी कब आएगी, जिस दिन उसने सप्लायर को पेमेंट कर दिया वो दिन. सप्लायर को पेमेंट कर दिया कब मानेंगे, जिस दिन उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने एंट्री कर दी या फिर उसके बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर, वो दिन डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट है. तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 61st day फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. ध्यान देना, गुड्स केस में 31 डेज था, यहाँ पे 61 डे है. अच्छा, गुड्स केस में भी डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट था और 31st day था, पर वहां पे एक और पॉइंट था, रिसीट ऑफ गुड्स, यहाँ पे रिसीट ऑफ सर्विस नहीं है सर.
ओके यहाँ पे केवल दो पॉइंट है, वहां तीन पॉइंट है, रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे क्या है, जिस दिन रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर रहा है वो दिन, या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हिच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। खत्म, क्लियर। बस यहाँ पे एक प्रोवाइजो और है, प्रोवाइजो में बोला कि इफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में है, और सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, और दोनों अगर कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो ऐसे केस में हम 61st डे का इंतजार नहीं करेंगे। दोनों अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो 61 डे का इंतजार ना हो पाएगा, क्योंकि वहां टैक्स प्लानिंग करके जानबूझ के 61st डे तक टाइम ऑफ सप्लाई ले जाएंगे। तो वहां बोल दिया, जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करी वो दिन, या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट और द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर। और हां, एक और प्रोविजन कॉमन था जहां पे लिखा था कि अगर ये तीनों इवेंट, ये दोनों इवेंट अगर अटेंड नहीं हो पाते, तो ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में वो खर्चा बुक किया, वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। ये था सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3 सरकार। अब सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 4 वाउचर और कूपन के केस में सेम, एब्सोल्युटली सेम सर। सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5 और 6 जो गुड्स के थे, कॉपी पेस्ट। वापस बोलता हूं मैं, सर्विसेज के लिए अगर आपने वाउचर इश्यू किया एंड इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। बट इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो जब वाउचर रिडीम कराएंगे तब टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। एग्जाम्पल, डोमिनोज का पिज्जा, रेस्टोरेंट सर्विस है सर, उन्होंने अगर कोई वाउचर दिया जिसके अगेंस्ट रेस्टोरेंट सर्विस ही होने वाली है, तो सर ऑब्वियसली सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और सर सेकंड, MakeMyTrip.com का वाउचर है, उसमें होटल भी बुक करा सकते हो आप सर, फ्लाइट भी बुक करा सकते हो, कुछ और भी बुकिंग हो सकती है, मतलब सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो जब वाउचर रिडीम कराएंगे तब ही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। क्लियर सर। सब सेक्शन 5 रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है, अगर सब सेक्शन 2, 3 और 4 से आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, नहीं तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, रेसिडुअल प्रोविजन। सब सेक्शन नंबर 6, अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबव द प्राइस डिलेड पेमेंट की वजह से कोई इंटरेस्ट रिकवरी किया है, लेट पेमेंट फीस चार्ज किया है, जैसे होता है ना टेलीफोन का बिल लेट जमा करा तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो वो सब वैल्यू का पार्ट बनेगा और उस अमाउंट पर टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जब वो लेट पेमेंट फीस रिसीव होती है आपको या इंटरेस्ट रिसीव होता है, तभी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। क्लियर, डन। ये सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 6 भी खत्म होता है। अब इसी के साथ पूरा सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, भारत माता की जय हो गया है। अच्छा, अब एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर बिल्डर्स और प्रमोटर्स। सर आपने देखा होगा कई बार बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जाती है, सर पुरानी बिल्डिंग टूटती है, नई बिल्डिंग बनती है, पुराने दिल टूटते हैं, नए दिल जुड़ते हैं, तो सर ऐसे केस में क्या होता है, जो सोसाइटी होती है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो होते हैं सोसाइटी के, वो अपने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स बिल्डर या प्रमोटर, और उसके अगेंस्ट क्या होता है सर, बिल्डर उनको, सिंस बिल्डर को जमीन मिल गई सर उस पर वो नई बिल्डिंग बनाएगा, तो सर सिंस बिल्डर को फ्री में वो जमीन मिली है तो बिल्डर भी क्या करेगा, उनको उतने फ्लैट बना के देगा सर, तो इनके बीच में नेगोशिएशन हो जाता है। अब क्या एग्जिस्टिंग मेंबर्स क्या बोलेंगे, हमको नया फ्लैट चाहिएगा, बड़ा फ्लैट चाहिएगा, ऐसा चाहिएगा, सब बात कर लेते हैं वो लोग, तो सर बिल्डर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है, मान लो उस एरिया के अंदर वो 150 फ्लैट बना देगा, 100 फ्लैट का एरिया है, 100 फ्लैट तोड़ेगा, नई बिल्डिंग बनाएगा, नई बिल्डिंग में 150 फ्लैट बन जाएंगे। अब मान लो उसमें से 100 फ्लैट के 100 फ्लैट तो उसको देने पड़ रहे, किसको, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको, रिमेनिंग 50 जो बचेंगे वो बेच के वो पैसा कमाएगा सर, उसको बेच के जो पैसा आएगा वो उसके उसका कॉस्ट निकलेगा और उसका प्रॉफिट मार्जिन वहां से निकलेगा। अब सर ऐसे केस में देखना ध्यान से, 100 फ्लैट तो ऑलरेडी बुक हो गए क्योंकि एडवांस में बुकिंग कर ली उन एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स उन्होंने ट्रांसफर किया या उन्होंने लॉन्ग टर्म लीज पे वो लैंड दे दी साहब अपने को, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया बिल्डर की तरफ से, एट द सेम टाइम सप्लाई ऑफ सर्विस उन मेंबर की तरफ से भी तो हो गया है बिल्डर को, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी वालों ने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए या फिर लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दिए, तो सर सप्लाई ऑफ सर्विस सोसाइटी ने भी किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस बिल्डर ने भी किया है। अच्छा, सोसाइटी की सर्विस कंप्लीट जिस दिन उन्होंने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए, सर्विस कंप्लीट, अब सर जैसे सर्विस कंप्लीट हुई उनको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अच्छा, उनके केस में टैक्स लगता है पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्डर टैक्स पे करता है। अब बिल्डर तो मर गया बेचारा, अभी तो क्या करेगा, पहले वो बिल्डिंग तोड़ेगा, लैंड को तैयार करेगा, फिर नई बिल्डिंग बनाएगा, फिर 100 फ्लैट तो उसको फ्री में देने हैं, फिर 50 फ्लैट जब बिकेंगे उसमें से जो पैसा आएगा वो उसकी एक्चुअल रेवेन्यू है, तब तक क्या हवन करेंगे, हवन करेंगे और जेब से टैक्स और पे कर दो इतना भारी,
उन डेवलपमेंट राइट की जो वैल्यू उस पर टैक्स और पे कर दो, और सर वो 100 फ्लैट की जो वैल्यू उस पर टैक्स और पे कर दो जेब से, मर गया ना बेचारा वो तो सुसाइड कर लेगा, ऐसा रिडेवलपमेंट करना ही नहीं सर। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला, क्योंकि देखो जैसे ही वो सर सोसाइटी वाले डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करते उनकी सर्विस कंप्लीट, 30 दिन में बिल इश्यू करो और टैक्स पे करो, टाइम सप्लाई आ गया सर। एट द सेम टाइम बिल्डर के एंगल से बात करें तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी मेंबर्स को 100 फ्लैट की सर, उसके लिए उसको एडवांस पैसा आ गया इन द फॉर्म ऑफ काइंड डेवलपमेंट राइट की वैल्यू, आया ना बच्चों, कंसिडरेशन काइंड रिसीव हो गया उसको, तो एक तरह से एडवांस पेमेंट आ गया, टैक्स पे कर दो साहब, हाँ है ना। इसलिए सर टेक्निकली टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा था जिस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तभी, तो सर गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं बड़े ही ना इंसाफ हो जाएगी बिल्डर के लिए, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट बोल दिया कि टैक्स पे करने की लायबिलिटी को हम शिफ्ट कर देते हैं। क्या बोला सर, जो रजिस्टर्ड पर्सन है बिल्डर प्रमोटर उसको बोल दिया कि तू टैक्स पे करता ना, कब सर, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उस महीने में, उस महीने की जो टैक्स लायबिलिटी है उस महीने की टैक्स लायबिलिटी के साथ ये वाला टैक्स लायबिलिटी पे करता ना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसका टैक्स पेमेंट का लायबिलिटी शिफ्ट कर दिया सरकार ने, बोल दिया मस्त रहे बिल्डर, टेंशन मतलब क्योंकि जेन्युइन भी था साहब ये, आया ना। और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड एंड वाइस वर्सा, दोनों केस में बिल्डर सर्विस दे रहा है उनको और सोसाइटी भी सर्विस दे रही है इनको, तो ऐसे केस में सच रजिस्टर्ड पर्सन जो बिल्डर है शैल पे जीएसटी इन अ टैक्स पीरियड नॉट लेटर देन द टैक्स पीरियड इन विच डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द प्रोजेक्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर फॉल्स, जिस टैक्स पीरियड में सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है या फर्स्ट ऑक्यूपेशन होता है विच एवर इज अर्लियर होता है सर, उस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी के साथ ये पे कर देगा उस टैक्स को जो अराइज हुआ था ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दीज एग्जिस्टिंग मेंबर्स एज वेल एज जो सोसाइटी ने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए, मेंबर्स ने लॉन्ग टर्म लीज पे या डेवलपमेंट राइट जो ट्रांसफर किए उस वैल्यू पे जो टैक्स पे करना है वो बाद में पे कर देगा, शिफ्ट कर दिया पेमेंट को, हाँ है ना बच्चों, भारत माता की जय। ये था स्पेशल प्रोसीजर फॉर बिल्डर्स और प्रमोटर्स, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट अगेन क्लियर। अब बचा है सेक्शन नंबर 14 रिगार्डिंग चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सुनिएगा बच्चा ध्यान से, whenever there is change in rate of tax, section number 14, whenever there is change in rate of tax, यहां लिख दिया not withstanding anything contained in section number 12 और section number 13, मतलब section number 12 और 13 में क्या लिखा हुआ है हमें concern नहीं है सर, ये following section बताएगा कि time of supply कब आएगा, पर मैंने इसके लिए section number 14 में देखो बेटा supply complete हो गया, उसके बाद invoice आ रहा है, उसके बाद payment आ रहा है, या कभी इनवॉइस पहले इश्यू हो गया पेमेंट और कंप्लीशन बाद में है, तो सर व्हेनेवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स तीन इवेंट है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, रिसीट ऑफ पेमेंट और इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये तीन इवेंट होंगे, इन तीन इवेंट पे डिपेंडेंट है टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। अब सर ये तीन इवेंट पहले हुए कि बाद में हुए, सरकार मेरी बात समझना, सप्लाई हो गया, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गया और पेमेंट रिसीव हो गया, इन तीनों पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई। अगर मान लो तीनों इवेंट पहले ही हो गए उसके बाद रेट चेंज हुआ तो साहब नई रेट से कोई मतलब ही नहीं सर। अच्छा रेट चेंज हो गया उसके बाद ही तीनों इवेंट हुए, रेट चेंज हो गया उसके बाद ही तीनों इवेंट हुए तो सर नई रेट ही लगने वाली सर, सप्लाई कंप्लीट भी बाद में हुआ, इनवॉइस भी बाद में इश्यू हुआ, पेमेंट भी बाद में आया, तो सर पुराने रेट से क्या करने का, नई रेट ही लगेगी ना सर। पर इन तीनों इवेंट के बीच में अगर कभी रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ तो कौन सी रेट लगाएंगे, नई वाला रेट लगाएंगे कि पुरानी वाला रेट लगाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए सेक्शन नंबर 14 ने सर क्लियरली केसेस को डिफाइन करके बोल दिया कि इस केस में ये टाइम सप्लाई होगा, इस केस में ये टाइम सप्लाई होगा। वहां पर 6 केस बनेंगे सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए सर, तीन इवेंट है, कोई भी इवेंट अगर रिपीट नहीं होता है तो एन इंटू एन माइनस वन, सीपीटी में पढ़ा होगा अपने, फाउंडेशन पढ़ा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो सर 3 × 2 होता है 6, तो सर हेंस प्रूव्ड 6 केस बनेंगे और 6 केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इन केसेस में ये टाइम सप्लाई है, वहां दिमाग लगवाया नहीं गवर्नमेंट ने, क्लियर। वो 6 केसेस मैंने यहां पे आपको बहुत ही सुंदरता से बॉक्स में दिए हुए सब सर, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी याद भी हो जाएगा। मैं आपको याद करता हूं सर, बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ये लिखा है गुड्स सप्लाइड, ये लिखा है इनवॉइस इश्यूड, ये लिखा है पेमेंट रिसीव्ड और ये लिखा है आंसर टाइम सप्लाई क्या होगा, क्लियर। यहां कोई लॉजिक नहीं दिया, सिंपल 6 केस 6 आंसर बात खत्म,
ओके पर हाँ ये छह केस को हमको समझना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। अगर बिफोर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स गुड्स या सर्विस सप्लाई हो गई, यस यस मतलब बिफोर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स हो गया। इनवॉइस इश्यूड, नो मतलब इनवॉइस बाद में इश्यू हुआ। पेमेंट रिसीव्ड, नो मतलब पेमेंट भी बाद में आया। तो सर ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके ये बताया डायरेक्ट, लॉजिक नहीं दिया। सर्विस कंप्लीट पहले हो गई, इनवॉइस भी पहले इश्यू हो गया पर पेमेंट बाद में आया, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर्विस कंप्लीट पहले हो गई, इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ पर पेमेंट पहले आ गया, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके अब तीन केस लेते जब सर्विसेज कंप्लीट हुई आफ्टर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स। सर सर्विसेज कंप्लीट हुई आफ्टर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स, इनवॉइस पहले इश्यू हो गया, पेमेंट भी पहले ही रिसीव हो गया, तो ऐसे केस में इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। मुझे पता आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं कल बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो बस, पर मैं आपको याद कर दूंगा। पांच मिनट रुकिए सर, आप पहले बताने दो क्या लिखा है लॉ के अंदर। सर सर्विस कंप्लीट हुई आफ्टर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स, इनवॉइस भी इशू हुआ आफ्टर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स, पर पेमेंट आ गया बिफोर चेंजिंग रेट ऑफ टैक्स, एडवांस में आया, फिर भी जिस दिन एडवांस आया वो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, यहां टेंशन चालू हो जाती बच्चों की, इसलिए मैंने बोला दिमाग मत लगाना। सेक्शन नंबर 12 और 13 का लिखा है क्लियर, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 12 और 13। देखिए थर्ड केस, सर सर्विस कंप्लीट होगी आफ्टर चेंज, ओके इनवॉइस इश्यू आफ्टर चेंज, नो मतलब इनवॉइस आप पहले इश्यू कर चुके हो, पेमेंट भी कब आया है आफ्टर चेंज रेट ऑफ टैक्स। अब भले ही इनवॉइस आपने पहले इश्यू कर दिया फिर भी कोई मतलब नहीं है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जो बाद में आया है वही दिन का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होता है उस दिन जो रेट ऑफ टैक्स होती है वो अप्लाई होती है। सर हाँ है ना, अभी छह केस छह आंसर आपको याद ही करने पड़ेंगे। सर यहां गवर्नमेंट ने लॉजिक नहीं दिया, पर हाँ इनको याद करने का एक अच्छा सुंदर सा तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ, उससे आपका जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सर बहुत ही सुंदर सा छोटा सा और मस्त, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेजोरिटी विंस, तो मेजोरिटी विंस से भी आंसर तो आ जाएगा पर परफेक्ट नहीं आएगा। देखो सर नो नो, तो सर क्या होगा इसमें आंसर क्या है मेजोरिटी विंस में? सर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम सप्लाई, पर सर किस दिन टाइम सप्लाई होगा नहीं पता पड़ेगा ना आपको, इसलिए मैं आपको समझाता हूं। सर इसको मान लीजिए बसंती, मेजोरिटी विंस वाला मत लगाइएगा फॉर्मूला, मैं बताता हूं आपको सर, शानदार अपना अपना खुद का बनाया हुआ सर बसंती, जय विरुद्ध बसंती। सर इसको मान लीजिए जय, इसको मान लो वीर। सर ध्यान से देखिएगा मजा आएगा आपको। सर बसंती अकेली, जय वीरु साथ में, देखो अकेली मतलब यस है बाकी दोनों नो है, मतलब दोनों साथ में। सर बसंती अकेली, जय वीरु साथ में, दोनों में जो पहले पूछेगा बसंती उसकी, बसंती के साथ जय है, जय की बात माननी, बसंती के साथ वीरु है, वीरु की बात माननी है, बसंती अकेली जय वीरु साथ में, दोनों में जो पहले पूछेगा बसंती उसकी, बसंती के साथ कौन, जय जय की बात माननी है, बसंती के साथ कौन, वीरु वीरु की बात माननी है, इसी के साथ भारत माता की जय। हाँ है ना, तो सर कुल मिला के क्वेश्चन खड़ा हो गया बसंती पर हमारे क्वेश्चन इसे आराम से सोल्व हो जाएंगे और हमें याद भी हो जाएगा। क्लियर डन, तो सर का ध्यान देना बेटा, आप सर्विस कंप्लीशन को बसंती मान लेना, बाकी जय वीरु पेमेंट या इनवॉइस किसी को भी माने कोई कंसर्न कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर डन, तो ये जस्ट एक छोटा सा तरीका बताया मैंने आपको आंसर निकालने के लिए, याद रखने के लिए कि किस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो खड़े खड़े इसके अंदर। ओके डन, अच्छा यहाँ पे इन केसेस में टैक्स प्लानिंग भी आप कर सकते हो, अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो कभी रेट ऑफ टैक्स है किसी गुड्स या सर्विस, किसी सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स है 12%, होने वाली कितनी 18%। अब आपको पता है रेट बढ़ने वाली है और आपको पता है सर्विस कंप्लीट पहले हो चुकी है, तो भाई फटाफट बिल इश्यू कर देना यार। आपको पता है कि मान लो फर्स्ट ऑफ जनवरी से रेट चेंज होने वाली है, दिसंबर में अभी हम बैठे मान लो, तो सर अब आपको बताया सर्विस कंप्लीट दिसंबर में होगी तो इनवॉइस भी फटाफट इश्यू कर दे। अब इनवॉइस अगर आपने फटाफट इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही क्या हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई, भले पेमेंट बाद में है सर, क्यों 30 दिन का इंतजार करें, भले आपकी बिलिंग साइकिल नॉर्मली जनवरी में आती हो फटाफट ध्यान रखिए दिसंबर में बिल इश्यू कर दो सर। अच्छा अगर आपको पता है कि सर हमारी सर्विसेज जनवरी में ही कंप्लीट होगी, पहले कंप्लीट नहीं हो सकती, अब हमें रेट 12% लगवानी है, तो क्या कर सकते हैं? तो सर ऐसे केस में क्या करो, कस्टमर को बोलो पेमेंट पहले दे दे मेरे को दिसंबर में ही, और इनवॉइस भी पहले इश्यू कर दो। तो ऐसे केस में आप इस वाले केस में आ जाओगे, सर्विस कंप्लीशन बाद में हुआ, इनवॉइस पहले इश्यू हो गया, पेमेंट भी पहले आ गया, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्ली इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो पहले वाले रेट लग जाएगी सर। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के आप टाइम आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो सर।
है ना, इस पे मैंने एक बहुत ही सुंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाया हुआ सर, और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बना के मैंने इसको यूट्यूब पे भी अपलोड किया, आप देखिएगा आपको मजा आएगा सर। क्लियर, डन। ये था आपका क्या सेक्शन नंबर 14। अच्छा एक बात और देखो, जैसे हम केस नंबर 4 की बात करें, मान लो रेट पहले थी 12%, अब होने वाली कितनी 18%, और आपको पता है सर्विसेज कंप्लीट बाद में होने वाली है, तो सर रास्ता क्या है, इनवॉइस भी अभी इश्यू कर दो। मान लो 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से रेट बढ़ने वाली है, तो 31 दिसंबर या उससे पहले इनवॉइस भी इश्यू कर दो, और कस्टमर को बोलो पेमेंट भी दिसंबर या उससे पहले कर दे, तो सर हमारा रेट कम लग जाएगा सर, क्योंकि टाइम सप्लाई केस नंबर 4 में आ जाएगा। पर सर कस्टमर क्या बोलता है, नहीं पेमेंट तो उसने किया 15 जनवरी को, हमारी सर्विसेज भी कंप्लीट कब हुई है, जनवरी में ही। वो बोलता है नहीं यशवंत जी कुछ भी करो, बिल आप भले ही दिसंबर में इश्यू कर दो, पर सर रेट पुराने वाला लग जाए, ऐसा कुछ काम करो। हम भी कोई कलाकार कम थोड़े, हमने क्या किया, ओके हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा, देश में लोग बड़े होशियार है, दिमाग लगाया। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कब होता है सर, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अब भाई साहब ने मेरे को चेक दिया था 15 जनवरी को, मैंने चेक फटाफट जमा कराया, और मान लो 18 जनवरी को चेक क्लियर हो गया मेरे बैंक में पैसा आ गया 18 जनवरी को, पर मैंने बुक्स में एंट्री मार दी क्या कि मेरे को चेक आ गया था कब, 25 दिसंबर को, वो तो मैं लेट हो गया था चेक जमा कराने में, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाज ऑन 25th ऑफ दिसंबर और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट वाज 18th ऑफ जनवरी विच एवर इज अर्लियर 25th दिसंबर। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 25 दिसंबर, इश्यू ऑफ इनवॉइस दिसंबर में कर दिया, और सर रेट लग गया 12%, मजा आ गया सर, हाँ है ना। तो ऐसे लोगों ने मजे लिए, जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आया था ना 2011 में, तो 2012 तक लोगों ने इस तरह से मजे लिए, पर सरकार ने बोल दिया भाई गजब के लोग हो, तो हम भी तो गजब की सरकार है, और एक साल में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि दिमाग खराब मत करना मंगल, अगर सर ऐसे तो टैक्स इविजन हो जाएगा ना यार, इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो एड कर दिया, और प्रोवाइजो एड करके बोल दिया, देखो ये लिखा हुआ है, प्रोवाइजो एड करके बोल दिया गवर्नमेंट ने क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, अगर वेन एवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, और जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है सर, आपका डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले है और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट बाद में है, और उसके बीच में रेट चेंज हुआ है, तो सर ध्यान देना ऐसे केस में, यहां पे साफ लिख दिया कि अगर 4 वर्किंग डे जिस दिन चेंज इन द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स हुआ है, उसके 4 वर्किंग डे के अंदर अगर बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो जिस दिन बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा वही दिन डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। अब अपने एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी क्या उसे कंसर्न नहीं है, क्लियर। मतलब 4 दिन का वक्त दिया गवर्नमेंट ने कि जो भी चेक पड़े फटाफट जमा करा दो, सो दैट वो क्लियर हो जाए 4 दिन के अंदर। अगर 4 वर्किंग डे में बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, और अकॉर्डिंगली सेक्शन नंबर 14 लगाएंगे। पर अगर 4 वर्किंग डे जैसे मेरे एग्जाम्पल में 18th of January को चेक क्रेडिट हुआ था, अब सर 1st of January से रेट चेंज हुआ, अब 4 वर्किंग डे में बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसलिए 18th of January ही क्या होगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अब सर इनवॉइस आपने भले दिसंबर में इश्यू कर दिया हो, सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जनवरी का है, कंप्लीशन भी जनवरी का है, तो जनवरी की रेट लगेगी 18%, हाँ है ना। तो 4 वर्किंग डे का ये फंडा है। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। भारत माता की जय, माहौल। इसी के साथ सर पूरा टाइम ऑफ सप्लाई और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो भी खत्म होते हैं अब। आई होप आपको मजा आ रहा है, सारे प्रोविजंस आपके सर पूरे कवर हो रहे हैं, मस्त होके पढ़ाई करिए सर, एंजॉय द टाइम, एंजॉय द स्टडीज, एंड सर ऑल द बेस्ट, खुश होके पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच सर, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।